So generally we have ad, और ये term is important, you should know, और you should also use के आगे भी जो है इसी तरह आगे के भी जो tools हम लोग use कर रहे हैं ना, तो सारे tools में इसी तरह की functionality मिलेगी देखने के लिए. जितने भी tools DevOps के लिए है, और DevOps में मतलब development छोड़ के बाकी सारा हमको करना रहता है. तो वो development का छोड़ने के बाद में जितने tools हैं हर चीज के लिए, तो सबका एडहॉक आएगा और सबको फिर इवेंचुअली हमको ऑटोमेट करना. तो कोई सा भी चीज ऑटोमेट करने से पहले तुम्हारे दिमाग में तुमको मैनुअल स्टेप्स करना ज्यादा जरूरी है. बिकॉज व्हेन यू डू इट मैनुअली यू विल नो के व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन, पीछे क्या चल रहा है, राइट. तब जाके तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ये रहती है, और जब तुमको पता रहता है कि पीछे क्या चल रहा है, तो ट्रबल शूटिंग भी इजी हो जाती है. जब कोई सी भी चीज कहीं पे फेल हो जाएगी, तो यू शुड बी इजीली एबल टू फिक्स इट, और तुमको पता रहेगा कहाँ पे गलत हुआ है, वेयर शुड आई लुक. तो जितने भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, दोज आर गोइंग टू हेल्प यू. लाइक एरर मैसेजेस आर द बेस्ट वे, लाइक इन आईटी दे कॉल इट लॉग्स आर योर बेस्ट फ्रेंड. तो लॉग में यू विल फाइंड एरर मैसेज, एंड एरर मैसेज से यू कैन नैरो डाउन वेयर इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, एंड based on that you'll be able to apply the fix. ठीक है, so conceptual understanding and you know the picturizing in your head is important to troubleshoot, because एक बार automate होगा तो one click पे सब कुछ चले जाएगा, and if you don't know what's happening वहाँ पर तो तुमको पता नहीं चलेगा. basically pipeline बना दिया जाता है कि ये होने के बाद वो हो जाएगा, वो होने के बाद वो हो जाएगा, सब चीजों को एक साथ जोड़ के रख दिया जाता है. तो there also we'll see तो एकदम बेस लेवल का जो ऑटोमेशन रहेगा वो स्क्रिप्ट से होगा, और लिनक्स में ज्यादातर बैश से होगा. अब वो स्क्रिप्ट के लिए कुछ बेर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग अपने को आनी चाहिए, जो तुमको पता रहना चाहिए कि टास्क कैसे करना है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग इंस्टॉल करेंगे कुछ, और बिकॉज कुछ जब भी सर्वर बना रहे हैं तो उस पर एक एप्लीकेशन हमको रन करना है, और वो एप्लीकेशन रन करने के लिए क्या होता है कि तीन स्टेप का प्रोसेस फॉलो होगा हमेशा. एक तो डेवलपर कोड डेवलप कर देगा, वो डेवलप करने के बाद में क्या होगा, उसको हम लोग कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद इंस्टॉल, और जिसको डिप्लॉय बोला जाता है. ठीक है, तो अगर वो जावा का कोड उसने लिखा हुआ है तो जार बन जाएगा या वार फाइल बन जाएगा ऐसा कुछ, और अगर उसने पाइथन लिखा हुआ है तो पाइथन के हिसाब का बनेगा. डॉट नेट में विंडोज का कुछ लिखा हुआ है तो EXEMSI कुछ बन जाएगा, और फिर उसको हम लोग किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे या किसी एक सर्वर पे जाके हमको उसको रन करना होगा. नॉर्मली क्या होगा, फॉर टेस्टिंग अगर किसी ने कुछ डेवलपमेंट किया तो तुम अपने लैपटॉप पे ही रन करते हो. एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का भी प्रोग्राम अगर तुम जावा का लिखोगे पांच छह लाइन का, तो उसको भी तुमको कंपाइल करना पड़ता है, और उसके बाद में ही जाके तुम उसको रन कर सकते हो. तो कंपाइल करने के बाद बेसिकली व्हेन यू एग्जीक्यूटेड इट, दैट वाज द स्टेज जब तुमने उसको डिप्लॉय कर दिया. ठीक है, तो वो स्टेज वही रियल टाइम में भी जो पाइपलाइन हमारी बनेगी वही सब रहेगी, और भी बहुत सारे स्टेजेस यहाँ बीच बीच में ला दिया जाएगा. क्योंकि एकदम नॉर्मल में ऐसा है कि देख तुमको जावा को कंपाइल करने के लिए तुमको जावा के कंपाइलर चाहिए. जो भी प्रोग्रामिंग कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है आजकल ज्यादातर, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देता हूँ जो ज्यादा कॉमन है, नोड है, पाइथन, गो, .NET, आई थिंक सो, एंड रूबी इज आल्सो देयर, और भी बहुत सारे होंगे, ये कुछ कॉमन लिख दे रहा हूँ मैं. तो इनके हम लोग कुछ सिमिलर टूल्स देखेंगे जो यहाँ पे यूज होते हैं, और वो टूल से जो आगे हम जो डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे. तो ये कुछ कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी जो तुमको ज्यादातर मे बी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम लोग काम करेंगे तो ऑन दैट प्रोजेक्ट ये इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा. बिकॉज विदाउट डेवलपर कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं करेगा, तो हम लोग कुछ पाइपलाइन बना के करने वाले नहीं है. हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब घर बना रहे हैं तो घर में कोई रहने के लिए आना चाहिए, तो वही जो रहेंगे वो डेवलपर हमको कोड देगा, नहीं अदरवाइज घर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर कोई लोग आके रहना नहीं चाह रहे हैं, राइट. पूरा अननेसेसरी का पूरा पैसा, पूरी सिक्योरिटी और जो भी हम लोग को करना वेस्ट होगी, इफ नोबडी इज गोइंग टू कम एंड लिव देयर. तो वो चीजें तो इसके अंदर में मतलब एप्लीकेशन बनती है, दीज आर द कॉमन लैंग्वेजेस राइट नाउ जिसमें बनाई जाती है, एंड देर आर सो मेनी अदर्स एज वेल, राइट. मैं सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में भी बहुत सारे हैं किए हुए, तो नॉट रूलिंग आउट एनीथिंग हियर कि ये एकदम टॉप लेवल पे है, और उसमें भी अलग अलग चलते रहता है उनका खुद का, मतलब देर इज अ होल सेट ऑफ कंफ्यूजन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल.
अगर किसी को डेवलपर बनना है तो क्या बने, फुल स्टैक बने, बैकएंड बने, फ्रंट एंड बने, वेब बने, अलग से एक कंफ्यूजन है वो हर जगह पे है, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो गई है कि हर चीज के लिए अलग अलग चीजें आ गई है, अलग अलग लैंग्वेजेस आ गई है. तो ठीक है, डेवलपमेंट इज नॉट समथिंग वी आर हेडिंग फॉर, सो विल नॉट गो, बट एज अ हाई लेवल ओवरव्यू दिस इज वॉट हमको एटलीस्ट पता हो कि ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और दीज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. और स्क्रिप्टिंग में जो है, जो स्क्रिप्टिंग होगी, स्क्रिप्टिंग ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहती है, ठीक है. स्क्रिप्टिंग में सिर्फ एकदम प्रोसीजरल रहेगा, एंड ज्यादातर ये पूरे डेवलपर का वर्ल्ड है. और जो दो वर्ल्ड रहते हैं, मतलब किसी भी आईटी में मतलब दो वर्ल्ड है, एक तो सिस एडमिन का वर्ल्ड है और एक डेवलपर का वर्ल्ड है. डेवलपर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसको बोला जाता है. और सिस एडमिन को नहीं समझ में आता, बिकॉज उसमें इनकैप्सुलेशन रहता है, एब्स्ट्रैक्शन रहता है, क्लासेस रहते हैं, क्या 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 चीजें रहती है, जो कि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है. इट्स नॉट दैट इजी टू रैप योर हेड अराउंड, बट एट द सेम टाइम यू हैव लॉट ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और प्रोसीजरल लैंग्वेजेस. तो फॉर सिस एडमिन हमको स्क्रिप्टिंग आना चाहिए, टेम्पलेटिंग आना चाहिए, ठीक है. तो स्क्रिप्टिंग एंड टेम्पलेटिंग दे आर सो वेरी इजी, अगर इसको कंपेयर किया जाए मैथ से, विच आई नॉर्मली डू. सो ये 10th 10वीं का तुम्हारा मैथ्स रहता है और ये तुम्हारी 4th क्लास का मैथ्स रहता है. तो अगर किसी को, अगर कोई प्रोग्रामर है तो उसके लिए ये सब एकदम पीस ऑफ केक हो जाता है. उसको ऑलरेडी 10वीं का मैथ सॉल्व करता है, उसके लिए 4th क्लास का मैथ सॉल्व करने के लिए नॉट अ बिग डील. तो कंपैरिजन इजी भी उतना ही रहता है. तो हमको बस ये सारी चीजें समझ ली है, यहाँ पे हमको उतना जाना नहीं है. बट अगर तुम जाते हो तो वेल एंड गुड, विच इज यू कैन मे बी लेटर एक्सप्लोर आफ्टर जो बेसिक्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करने के बाद में. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही लिखा हुआ है. तो सिर्फ हमारे लिए एक ऐसा रैपर बना हुआ है और एक इंटरफेस बना हुआ है ऑन टॉप ऑफ दैट जो हम लोग यूज कर लेते हैं, बिकॉज वी नीड पीपल हु आर एक्सपर्टीज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एज वेल, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नेटवर्किंग पे, सिक्योरिटी पे, रादर देन जस्ट ऑन डेवलपिंग फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन. तो इसलिए वी हैव दोज एज वेल के लोग यूज करने के लिए डेवलपर उस तरीके के इंटरफेस बना के देते हैं हमको, एंड यूजिंग दोज इंटरफेस हम लोग ये कर रहे हैं. लाइक ls कमांड जो हम लोग लिख रहे हैं, अब देखो मैंने सब में जो बड़ी लैंग्वेज है वही नहीं लिखा हूँ, जो उन लोग सबका मतलब फादर है, C++. जो ls प्रोग्राम लिखा हुआ है, cd प्रोग्राम लिखा हुआ है, सारे लिनक्स बाय द वे इज जो कर्नल है वो सी में लिखा हुआ है, बिकॉज जो लाइनस टॉरवाल्ड था ही वाज अ सी डेवलपर, आई मीन ही वाज अ डेवलपर हु डेवलप्ड इट, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था. तो ही वाज नॉट जस्ट लिमिट टू डेवलपर और डेवलपमेंट ही के, हाँ चलो ठीक है, ये अलग साइड में भी था इसका. तो बाय द वे लिनक्स इज कम्प्लीटली रिटन इन सी. ls प्रोग्राम जो हम लोग यूज करते हैं वो पूरा का पूरा उसका जो लॉजिक है सी में लिखा हुआ है. अगर किसी को कुछ प्रोग्राम लिखना है तो यू कैन राइट इट इन सी और अदर लैंग्वेज उसको कंपाइल करके पैकेज कर सकते हो और उसको बाइनरी बना दिया जाता है. जो ls जो हम लोग कमांड यूज करते हैं, दैट इज ls, जो मतलब लिस्टिंग का एक कोड है जो सी में लिखा हुआ है और वहां पे रखा हुआ है उसको पैकेज और उसको एक एज अ कमांड यूटिलिटी बना के. तो दैट्स हाउ यू हैव. तो ज्यादातर मतलब सी में बहुत सारे मतलब विंडोज बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे हुए हैं, विंडोज भी सी में है, लिनक्स भी सी में लिखा हुआ है. और फिर और सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो चल रही है 1960s 1970s से, ठीक है. तो गूगल का क्लेम है, नॉट माइंड, कि गूगल इज सेइंग दैट एवरीथिंग हैज इवॉल्व बट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव नॉट. क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1960 में यूज होती थी वो भी अभी भी यूज हो रही है. तो देर इज नो मॉडर्न प्रोग्रामिंग वे टू अटेम्प्ट. तो उनके लिए उनका ऐसा बोलना है कि हमारा जो गूगल है इट्स अ मॉडर्न जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये मॉडर्न वे से काम करता है. तो दैट्स द क्लेम गूगल हैज ओवर देयर. ये जो गो लिखा हुआ है इट्स अ गो लैंग्वेज बाय गूगल. तो ये कुछ कॉमन रहेंगी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में. अगर कुछ हम लोग जिसपे भी मतलब ये कर रहे होंगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, उनका कहीं ना कहीं पे कुछ डेवलपमेंट तो रहेगा ही, एंड उस डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमको बुलाया जाएगा, डेवॉप्स के लोगों को, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे टूल्स हैं. तो वो टूल्स हम लोग स्लोली स्लोली देखेंगे. तो राइट नाउ वी आर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट, बिकॉज 80 to 90% ऑफ द टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ही रहने वाला है, अनलेस यू हैव .NET. तो बिकॉज .NET ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसको तुम फाइंड लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग विंडोज. इवन यू कैन रन .NET एज वेल ऑन द लिनक्स, आई मीन दैट इज नोबडी इज ब्लॉकिंग यू
फ्रॉम द फंक्शनैलिटी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डॉट डॉट नेट इंस्टॉल करना है, उससे सीधा रन कर देना। मतलब लिनक्स पे हम लोग अभी देखेंगे पैकेज इंस्टॉलेशन का। सिमिलरली वी कैन इंस्टॉल द डॉट नेट एज वेल एंड वी कैन रन दैट। तो डॉट नेट सी एल आई या डॉट नेट जो भी रहता है, वी कैन रन दैट एंड यूज दैट एज वेल। एंड कंटेनर में तो आई वुड से 95-90% आर लिनक्स ओनली कंटेनर्स वर्ल्ड में, जो कि आज चल रहा है। जो टर्म्स यूज होते हैं, जो बज वर्ड्स 3-4 साल पहले बज वर्ड्स थे, माइक्रो सर्विसेस और Kubernetes के इसके उसके, तो ये सारे जो चीजें अंडरलाइन है, दिस इज अ कंटेनर। ये कंटेनर्स को भी हम आगे देखेंगे और अच्छे में, बट अभी फिलहाल इधर करते हैं फिर से। तो अभी तो हमको क्या करने के, हमारे जो ऑपरेशंस है वी विल हैव टू स्टार्ट यूजिंग दिस विद स्क्रिप्टिंग। और उसके लिए जो सपोर्टिंग वेज थे हमारे, दैट इज जो भी चीजें हमने की है, एवरीथिंग कैन बी डन विद द स्क्रिप्ट। जो यूजर क्रिएशन एनी ऑपरेशन दैट वी हैव डन सो फार, दैट ऑपरेशन कैन बी डन विद द स्क्रिप्टिंग, ठीक है। और वो एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज विल हैव, बट यहाँ पे हम लोग बेसिक समझेंगे एंड एवरीथिंग जो और स्क्रिप्टिंग मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, तो ऐसा डर भी मत जाना कह रहे बहुत ये हो जाएगा। तो जो चीजें हमने किया हुआ है कॉम्बिनेशन है, एंड देन मोर प्रैक्टिस तुम करोगे तो ज्यादा बेटर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जाएगी, ठीक है। तो बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस, देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमको समझ में आना चाहिए। मतलब जो चीजें ऐसी चीजें हैं जो हमको आसानी से ये हो जाए। तो लाइक वेरिएबल्स हैं और शेल है जिसपे हम लोग काम कर रहे थे, और शेल हमने बार बार देखा है कि व्हाट इज शेल, ठीक है। और अब उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए फाइल्स देखेंगे, देयर आर फाइल्स दैट दैट विल हेल्प यू टू कंट्रोल दोस। तो मुझे लॉगिन कर लेता हूँ मैं मेरे सर्वर पे। मेरे पास मेरी सर्वर है, दिस सर्वर हैज द पब्लिक आईपी, एंड आई होप एवरीबॉडी नोज क्या हो रहा है यहाँ पर। So I was able to log in, public IP use किया मैंने, and वो जो concept मैंने बताया था NATWAT का, वो आगे बहुत काम आने वाला है। That is the, because हम लोग everything we are going to do that on the cloud or we'll have to design it. तो cloud पे application ऐसी नहीं बना देते जैसा मैंने बना दिया। एक server बना, अभी server पे मैं web server run कर सकता हूँ, कुछ भी run कर सकता हूँ, but is it the way to do it? No, that is not the way to do it. Enterprise application एक अलग way में रहती है, 3-tier, 4-tier, एंड tier ऐसे ये है, अलग अलग लेयर रहते हैं, अलग अलग नेटवर्क्स रहेंगे। विल सी दैट जो भी चीज हम लोग बना रहे हैं ना, दैट इज एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल लाइफ इवेंट्स। जो हर जगह पे मतलब सोसाइटीज बनाने में होता है, कॉलेजेस बनाने में होता है, हॉस्टल्स बनाने में किया जाता है, तो जो जो सारे चीजें हम लोग हमने किया है, सारी चीजें वही होती है एवरीथिंग। जो बिकॉज इंसान क्या कर रहा है, सिर्फ रीमेक कर रहा है जो उसने, इट्स ऑल अबाउट रीमेक फॉर एवरीथिंग। तुम मूवीज की बात कर लो, कुछ भी बात करो, जो 70s में नॉवेल्स हुआ करते, जो 30s 20s में नॉवेल्स हुआ करते थे, आज मूवीज है, एंड दैट्स द सेम जा रहे हैं। वी आर जस्ट रीलिविंग एवरीथिंग। तो आईटी में भी जो भी चीजें आती है वो रियल लाइफ से ही लोग ये होके आइडिया मिलता है उनके एंसेस्टर से, फोर फादर से, कि उन्होंने इस चीज की को सिक्योर करने के लिए कैसा किया था। तो सारी चीजें वही रहती है। तो तुमको बस हाई लेवल चीजें समझना है जो जूम आउट करके, और उसके बाद में फिर जूम इन करके चीजों को समझना स्टार्ट करना, तो तुम एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में वो पिक्चर क्लियर रहेगा। और कुछ भी चीज समझने के लिए पिक्चर क्लियर ही करके आगे बढ़ना है, सिर्फ स्टेप आगे, यहाँ चलो ये 1-2-3 स्टेप फॉलो कर दिया, हो गया काम, वो ऐसा करोगे तो यू विल नॉट सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग। मतलब अगर तुम सर्वाइव भी कर जाओगे ना, तो तुम एक ऐसा स्टैग्नेंट हो जाओगे। स्टैग्नेंट का मतलब रहता है जो ठहर जाता है एक ही जगह पे, वो मूव नहीं होता। तो डेवलपर्स को ज्यादातर, हर डेवलपर ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है जो ब्रेक थ्रू कुछ इन्वेंशन कर रहा है। आधे से ज्यादा डेवलपर तो वही काम करते रहते हैं डे इन डे आउट, बस यही काम करते हैं, उनको पता भी नहीं रहता काम क्या चल रहा है। एंड दैट्स द केस गोइंग टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इन इतना एब्स्ट्रैक्टेड वे में काम करती है, इतना हिडन वे में काम करेगी कि तुम क्या काम करते हो तुमको कभी पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अगर तुमको पता चल जाएगा तो उनका जो बिजनेस लॉजिक है वो एक्सपोज हो जाएगा, एंड वो एक बिकॉज वेन यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए वो ऐसा इतना एब्स्ट्रैक्टेड वे में उनका डिजाइन बनाते हैं कि तुम जाके अपना काम करोगे लेकिन तुमको कभी पता ही नहीं चलेगा कि काम हो क्या रहा है मेरी कंपनी में। मैं बस जाके कर दो रहा हूँ लेकिन यहाँ पे होता क्या है, आई डोंट नो। कोई तुमको पूछेगा कि क्या करते तुम्हारी कंपनी, तो
यू कैन जस्ट टेल देम अ डोमेन जो हाई लेवल है कि हाँ मुझे पता है हम लोग रिटेल डोमेन में, मैं अमेजोन में काम करता हूँ, दे आर इन रिटेल, मैं किसी हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ, आई मीन हेल्थ केयर मैं ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा हूँ, मैं किसी ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन तुमको पता ही नहीं चला है कि उनका हो क्या रहा है एप्लीकेशन में। मतलब मैं क्या करता हूँ, आई डोंट नो, मैं जस्ट जाता हूँ, चार पांच लिनक्स से कमांड रन कर दे रहा हूँ या फिर मैं एक प्रोग्राम है वो कर देता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है नहीं पता चलता। एंड दैट इज पर्पसली दे आर डूइंग इट बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सपोज द कोर लॉजिक, और उनका जो भी बिजनेस लॉजिक है, अगर तुमको पूरी हाई लेवल क्लैरिटी मिल जाएगी तो देयर इज अ हाई चांसेस कि उनका वो कॉपी हो सकता है, मतलब तुम चुरा सकते हो, तुम बाहर एक्सपोज कर सकते हो, तो दैट्स व्हाट दे डू। ये सारी चीजें कहाँ होती है, ज्यादातर मल्टीनेशनल बड़ी कंपनीज में होती है, एमएनसीज में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज रहती है। स्टार्टअप वगैरह में तुम ज्वाइन करोगे तो यू विल हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी, एंड फॉर फ्रेशर्स हु वांट्स टू लर्न, स्टार्टअप में थोड़ा तुमको प्रेशर रहेगा, एंड द प्रेशर इज जस्ट अ वर्क, अगर तुम काम करते हो देर इज नो प्रेशर, अगर तुम काम नहीं करते हो तो तुमको बोला जाएगा काम करके दो भाई, क्योंकि वो स्टार्टअप है और उसको सर्वाइव करने के लिए तुमको काम करना पड़ेगा। एमएनसी में तुम लग जाओगे तो तुम काम करो ना करो उनका तो सेटल्ड है बिजनेस, 3 महीने के बाद में तुमको बोल देंगे जाओ, तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं है, तुमको छोड़ा देंगे, तुम पे प्रेशर बहुत ज्यादा डालेंगे नहीं उन्हें। और स्टार्टअप में भी सेम वैसे ही होगा, 3 महीने से 1 महीने में तुमको निकाल सकते हैं अगर इफ यू डोंट परफॉर्म, लेकिन तुमको वहां पे प्रेशर रहेगा, एंड प्रेशर में तुमको प्रेशर तुमको बना देगा, राइट? तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन चूजिंग विच कंपनीज टू गो, एंड दोनों के मतलब अपने प्रोज एंड कॉन्स है, बट बहुत हिडन फंक्शनैलिटी रहेगी, तो जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे बेस्ड ऑन बड़ी बड़ी कंपनी में जा रहे हो छोटी में जा रहे हो, तो वो हिसाब से तुमको विजिबिलिटी और क्लैरिटी नहीं दिखाई देगी, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लिनक्स में बहुत सारे जो है ना बिल्ट इन वेरिएबल्स है, इसमें बहुत सारे बिल्ट इन कमांड्स है, बहुत सारे लाइक सीडी जो है, अगर मुझे कुछ कमांड लाइक एलएस कमांड की बात कर रहा हूँ, मुझे अगर चेक करना है कि एलएस कमांड, ये एलएस कमांड मतलब जो प्रोग्राम है वो है किधर पे, तो जो कमांड है विच एलएस आई कैन डू, तो वो बता रहा है कि यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है? अब ये कमांड मैं कैट नहीं कर सकता बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल फाइल, ये सी का एक प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ है, जो मैंने तुमको यहाँ पर बताया कि एवरी कमांड जो है एलएस का जो लिखा हुआ है वो सी में है, तो ये यहाँ पर अभी राइट नाउ मैं जो एलएस को यहाँ पर देख रहा हूँ, और एलएस जो यहाँ पे आया हुआ है ना कंपाइल होने के बाद आया हुआ, तो कंपाइल होने के बाद में क्या बन गया, बाइनरी बन गया, उसको वन मोर कमांड, और ये कमांड हमेशा यूज करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट के सीधा फाइल को कैट कर दो या प्रिंट करने से पहले यू शुड ऑलवेज चेक के टाइप क्या फाइल था, अगर वो टेक्स्ट फाइल है तो ही कैट करना, वरना तुम्हारा सर्वर हैंग कर दोगे तो उसको डायरेक्ट कैट करने से, तो उसको मैं फाइल कमांड से चलाऊंगा तो बता देगा ये स्क्रिप्ट है, तो डायनेमिकली लिंक इंटरप्रेटर है और ये कुछ चीजें हैं उसके, लेकिन ये स्क्रिप्ट किया गया मतलब इसको एकदम से कंपाइल किया गया, दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू से, तो यहाँ पे वो पूरा स्क्रिप्ट में रखा हुआ है और कोड यहाँ पर है, तो एलएस का कोड बिकॉज इट्स ओपन सोर्स आई कैन गो इन गिटहब एंड लुक इनटू दैट, सी का अगर तुमको समझ में आता है तो तुम देख सकते हो, और तुमको भी कभी प्रोग्राम लिखना है तो इट विल हैव टू गो इन द सेम वे, अगर तुमको लिनक्स पे कुछ लिखना है तो, ठीक है? तो ये कमांड तुमको बता देगा उसकी बाइनरी कहाँ पर है, और ये कमांड तुमको बता देगा कि वो टाइप क्या है उसका, तो कोई सी भी फाइल को पहले मतलब कुछ भी करने से पहले ये तुमने करना है, और स्पेशली यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑन द प्रोडक्शन सर्वर्स, जब कंपनी के लिए काम करोगे तो बस रैंडमली किसी को भी, अब तुमको ऐसा लगेगा अरे हाँ चलो सर ने बोला था कि एलएस तो और सी में लिखा हुआ, चलो देखते हैं इसका कोड क्योंकि मुझे सी आता है, जाके फटाक से उसको कैट कर दोगे ये फाइल को ढूंढ के, तो नहीं होगा, मतलब इसमें मैं कैट करके दिखा सकता हूँ और क्योंकि स्क्रिप्ट है तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, देखो ऐसा आएगा, और एक टाइप कमांड है जो हमको बता देगा कि ये बिल्ट इन है या ये नॉर्मल कमांड है, तो एलएस इज लोकेटेड हियर, और एलएस का एक एलियस है जो कि एलएस कलर ऑटो, तो ये दिस इज नॉट अ बिल्ट इन कमांड, मतलब शेल में बिल्ट इन नहीं है, अगर मैं इसको सीडी के लिए करूँ तो सीडी इज ऑल्सो अ कमांड, तो सीडी जो है शेल का बिल्ट इन, मतलब दिस इज लाइक अ बिल्ट इन कमांड है, ये कर्नल के साथ नहीं आया गया आया हुआ ऐसा, तो ये बिल्ट इन कमांड है, ये नॉर्मल कमांड बाद में एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इसको लाया गया है और उसका एलियस भी बना दिया, तो एवरी टाइम जब हम एलएस रन करते हैं तो देखो क्या होता है, वो एलएस डैश डैश कलर ऑटो होता है, इसलिए मुझे कलर दिखाई देता है, मतलब जो ये फाइल को कलर कर रहा है डायरेक्टरी को कलर कर रहा है, दिस और कलर दीज कलर्स आर पॉसिबल बिकॉज ये ऐसा है क्योंकि उसका एलियस बना हुआ है उसका एलएस पे,
ठीक है, एलियस मतलब उसको अलग, यही कमांड रन होगा लेकिन डिफरेंट वे में चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ तीन जो कमांड थे ज्यादातर यूज होंगे अगर तुमको पता करना है कि लाइक स्क्रिप्टिंग में हम लोग आगे करेंगे। कुछ भी करने से पहले हमको पहला लाइक जावा से, जावा का कोड है मुझे पता है और स्क्रिप्ट में मुझे इस कोड को कंपाइल करना है, तो मेरा एक चेक क्या रहना चाहिए, फर्स्ट थिंग आई विल चेक कि जावा इंस्टॉल है या नहीं यहाँ पे, क्योंकि बिना जावा इंस्टॉल किए हुए मैं नहीं कर सकता उसको, तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि चेक इफ जावा इंस्टॉल। तो चेक करने के लिए कमांड, ये तुम विच कमांड से भी कर सकते हो, टाइप कमांड से भी कर सकते हो, और भी दूसरे का सी कमांड भी आते हैं सीएमडी करके, तो उससे भी तुम चेक कर सकते हो। अभी इस पे मैं करूँगा विच जावा, तो यहाँ पे नहीं है तो नहीं आया कुछ भी, लाइक टाइप जावा भी करूँगा तो कुछ नहीं आएगा, तो नॉट फाउंड बोल दिया उसने। और आई कैन जस्ट सिंपली रन द जावा और ये थोड़ी देर के बाद बोलेगा नहीं है। और इफ यू रिमेम्बर द रिडायरेक्शन राइट, इसने क्या थ्रो किया है, एरर थ्रो किया है यहाँ पर अभी। तो अगर मैं टू करके इसको डेव नल में कर दूंगा तो एरर नहीं दिखाया है उसने मुझे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन रहना चाहिए कि ये ऐसा इसने एरर दिखाया नहीं, टू कर दिया हमने एरर दिखाया है, तो हाउ डू आई नो कि है भी या नहीं है। ठीक है, तो एक एक बिल्ट इन वेरिएबल है इसी के अंदर में जो कि बहुत ज्यादा काम आता है, जो वेरिएबल्स है एनवायरमेंट बिल्ट इन वेरिएबल्स, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सब में पहला जो वेरिएबल क्या है, कंटेनर जैसा रहता है एकदम, एक तुमने नाम दे दो कुछ भी और उसमें एक उसमें स्टोर कर लो जो भी तुमको स्टोर करना है। तो मैं ऐसा वेरिएबल बोल सकता हूँ वायर इक्वल टू माई ओएस, और ये हो गया, ये वेरिएबल है, इसमें ये कंटेंट लिखा हुआ है, तो आई कैन गिव एनीथिंग आई वॉन्ट। ठीक, तो मैं इसमें नंबर दे सकता हूँ, इसमें डेटा टाइप्स रहते हैं, तो डेटा टाइप्स के लिए जो बेसिक्स डेटा टाइप्स हैं हमारे पास में वो मैं लिख देता हूँ। तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर लिखा हुआ, कुछ वर्ड लिखा हुआ है उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है, और स्ट्रिंग ही बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। एंड देन उसके बाद इंटीजर से या नंबर से, एंड बूलियन, बूलियन में क्या रहता है कि यू सिंपली गिव अ ट्रू फॉल्स, इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स दिया जाएगा और कुछ भी नहीं, तो तुम्हारा ये ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। और इसका जो और अच्छा यूसेज है आगे थोड़ा बहुत मतलब समझेगा, मैं थोड़ा एक दो तो एग्जांपल बता दूंगा, बट तुमको चीजें और अच्छी करने के लिए यू हैव टू डू इट, मतलब तुमको बार बार ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी चीजें होगी। अभी तक तो थोड़ा हमारा थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स था, लेकिन आगे जाके चीजें, क्योंकि हर चीज के लिए मैं पीछे आके फिर से उसको एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा अगर वो चीज हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। लाइक अभी मैंने ऐसे स्विच किया कि वहाँ पे कनेक्ट किया, ये सारा हमने डिटेल में कंसेप्ट देख लिया है कि किस तरह से कनेक्ट होता है, किस तरह से की जनरेट होता है। तो आगे जब बढ़ते रहूंगा तो एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि तुम लोगों ने पीछे के सारे लेक्चर्स देख लिए और तुमको पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। लाइक आई वाज सेइंग, तुमको बिहाइंड द सीन पता होना चाहिए क्या चल रहा है, जब मैंने एसएसएच किया तो क्या क्या ऑपरेशन हुए, किस तरह से कहाँ पे क्या हुआ, वो चीजें तुमको पता होनी चाहिए, तुम्हारे हेड में सारा इमेजिन होना चाहिए, और ये सारी चीजें तब होगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे उसके लिए, राइट। तो दैट इज द की फॉर सक्सेस। और ये इसके अलावा और भी कुछ डेटा टाइप्स हैं, बहुत सारे हैं, और जो टेम्पलेटिंग में हमको बहुत ज्यादा काम आएंगे तो हम लोग आगे देखेंगे। लाइक लिस्ट है और मैप्स है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहते हैं वो, और ये तो एकदम सिंपल है कि ये स्ट्रिंग का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली आई कैन गिव अनदर एग्जांपल ऑफ वेरिएबल, दे देता हूँ मैं उसको, आई कैन गिव एनी नेम, दैट डजंट मैटर, 1 2 3 4, ये नंबर दे दिया मैंने, डेटा टाइप मेरा नंबर है, और आई कैन गिव अनदर वार इक्वल टू ट्रू, या फिर इसको मैं दे दूंगा फॉल्स, तो दैट हैज बिकम, ये क्या हो गया मेरा बुलियन हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वेरिएबल सेट होते हैं। अब वी आर हम लोग मैं बता रहा हूँ कि बिल्ट इन वेरिएबल, और सबसे पहला जो बिल्ट इन वेरिएबल जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करेंगे इन कॉम्बिनेशन ऑफ रिडायरेक्शन, क्योंकि हमने रिडायरेक्ट किया, बट रिडायरेक्ट करने से ठीक है वी वर एबल टू सप्रेस, हमने क्या किया बेसिकली इसको सप्रेस कर दिया, जो एरर हमको स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा था वो यहाँ नहीं हो रहा है, इधर दैट कैन वो ज्यादा हम लोग किसी फाइल में लिखेंगे, बट आई एम नॉट राइटिंग इट इन टू द फाइल, मैं उसको तो डेव नल में लिख रहा हूँ, जो कि ज्यादातर इसको ब्लैक होल बोला जाता है। ब्लैक होल में एक बार जो चीज चले गई वो कभी वापस मिलने वाली नहीं है,
तो एज गुड एज दिस हैज बीन डिलीटेड, आई मीन इट्स नॉट प्रिजर्व एनी वेयर एट ऑल, उसको फेंक दिया मैंने बस, बिकॉज इट्स अ गार्बेज फॉर मी वो ऐसा। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, मतलब इस तरीके करने का मकसद क्या है हमारा, राइट? तो उसके लिए भी ये जो आगे का हम लोग पार्ट देख रहे हैं, तो इसके कॉम्बिनेशन में एक बिल्ट इन वेरिएबल है जिसका साइन रहता है ये, जो डॉलर साइन है। तो ये वेरिएबल एक बार मैंने, जब वेरिएबल एक बार मैं लिख दूंगा ना, तो वेरिएबल को एक्सेस करने का जो तरीका है दैट इज विद द डॉलर साइन। हमने वेरिएबल तो लिखना ऐसा है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए हमेशा डॉलर लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसा लिखता हूँ। और वेरिएबल लिखने का जो है ये है कि देर आर मतलब इसके लिए भी नेमिंग कन्वेंशंस हैं। इसका भी एक आरएफसी है, उसके अंदर मैं तुमको बताएगा कि वेरिएबल स्टार्ट किससे होना चाहिए, नंबर, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर। तो आरएफसी इसके लिए भी लिखा हुआ, जैसा हमने आरएफसी एसएसएच के प्रोटोकॉल के लिए देखा, प्राइवेट आईपी के लिए देखा, नेमिंग कन्वेंशन के लिए भी आरएफसी है कि वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन क्या होने चाहिए प्रोग्रामिंग में। तो उसके लिए भी एक आरएफसी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यू गाइस कैन ऑल्सो। अब तुमको पता है आरएफसी क्या रहता है, मैंने स्टार्टिंग में जो एक दो बहुत ज्यादा कॉमन है उसके बारे में बता दिया था, बाकी तुम देख सकते हो, राइट? तो ये सारी चीजें आरएफसी क्या है मैंने पहले डिस्कस कर लिया हमने, कि आरएफसी क्या है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख देता हूँ मैं, ऑपरेटिंग लिख देता हूँ इसे, ठीक है? तो अब ये वेरिएबल यहाँ पे सेट हो गया, मैंने इस वेरिएबल को सेट कर दिया हूँ। अब इस वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए मुझे आई कैन यूज एको कमांड टू चेक कि वेरिएबल का वैल्यू आया है नहीं, और एक्सेस करने के लिए मुझे क्या डॉलर लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से वो एक्सेस होगा। जब मैं एको करता हूँ तो एको कमांड क्या करता है, उस वेरिएबल को प्रिंट कर देता है। कैट कमांड नहीं प्रिंट करेगा, कैट कमांड किसको प्रिंट करता है, फाइल को। और एको कमांड क्या करता है, वेरिएबल को तुमको प्रिंट करना है। तो अगर मुझे वेरिएबल वेरीफाई करना है तो आई सिंपली यूज दिस। तो अभी मैंने क्वेश्चन मार्क जो है बिल्ट इन वेरिएबल है, उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डॉलर लगा रहे हैं। और ज्यादातर वेरिएबल को डिनोट करने के लिए और बताने के लिए तुमको डॉलर साइन ही लगा के बताया जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। तुम डॉलर साइन देखते के साथ में तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वेरिएबल है। अब इसको सेट नहीं किया था डॉलर साइन के साथ में। पावर शेल जो है, विच इज सिमिलर टू जो हम लोग बैश कर रहे हैं, जो विंडोज वाला है, उसके अंदर में तुम सेट भी डॉलर साइन से करोगे और उसको एक्सेस भी डॉलर साइन से करोगे। तो पावर शेल अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, दैट समथिंग लेटर एकदम एन में, क्योंकि लिनक्स ही मेजर और डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेटिंग सिस्टम है, और पावर शेल भी है। तो उसका एक बार तुमको एक कोई भी चीज कर रहे हो तो एक चीज को एकदम स्ट्रांग कर लो, और उसके बाद सारी चीज तो तुमको ऑटोमेटिक आ जाती है। बिकॉज एक और चीज को स्ट्रांग करने का मतलब ये भी है कि कंसेप्चुअली ही स्ट्रांग करना है, मतलब नॉट जस्ट हाँ ये स्टेप कर दो वो स्टेप कर दो ऐसा ऐसा, दैट्स द वे इट शुड वर्क। मतलब ऐसा कभी काम भी नहीं करेगा, तुमको कोई एक एक चीज को पकड़ना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छी कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको, ऐसा लगेगा मैं ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ। तो एक साथ तो नहीं सीख सकते हम लोग सारी चीजें, वन बाय वन करके करना है, और एक चीज को पकड़ लिया तो उसको एकदम स्ट्रांग कर लो फाउंडेशन, ठीक है? तो समटाइम्स अगर कहीं पे ऐसा ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो डॉट नेट के एप्लीकेशन भी यूज कर रहा है, पाइथन भी यूज कर रहा है, तो और या फिर कोई दूसरी भी यूज कर रहा है, तो यू मे सी दैट डिफरेंसेस। और जहाँ पे वो थोड़ा सा मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप रहेगा तो बहुत रेयर है, बट यू कैन कम अक्रॉस एज वेल। बट फॉर नाउ लेट्स ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द लिनक्स साइड। तो डॉलर साइन से वेरिएबल को डिनोट करने के लिए विल ऑलवेज राइट विद द डॉलर, और जैसे ये रहेगा तो हमको समझ में आएगा कि वेरिएबल है, लेकिन इसको सेट कैसा किया हुआ किया हुआ होगा, दिस इज द वे इट वुड हैव बीन सेट। लिनक्स में इस तरीके से वेरिएबल सेट होता है और इस तरीके से रेफरेंस होता है, ठीक है? और पहला जो बिल्ट इन वेरिएबल है जो रिडायरेक्शन के साथ में हम लोग यूज कर रहे हैं वो ये है, ये इसको बोला जाता है रिटर्न कोड। ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ तुमको रिटर्न कोड बताएगा। रिटर्न कोड क्या है, रिटर्न कोड में भी वी हैव कपल ऑफ जीरो एंड नॉन जीरो। ठीक है, जीरो का मतलब है जीरो, और नॉन जीरो का मतलब है अदर देन जीरो, लाइक नॉर्मली जो के रहेगा 1 से 127 तक रहेगा, बट इट कैन बी एनी नंबर समटाइम्स, बेस्ड ऑन नेटवर्क की एप्लीकेशन देख रहे हैं तो कोई सा भी एक नंबर आ जाएगा। तो नॉन जीरो और एन जीरो है, और जीरो का मतलब रहता है पास,
और नॉन जीरो का मतलब रहता है फेल। तो तुमको जो रिटर्न कोड है, जब भी तुम ये रन करोगे ना तो तुमको यही रिटर्न करेगा वो, तुमको जीरो या नॉन जीरो रिटर्न, जीरो ये कोई एक नंबर रिटर्न करेगा। अगर तुमने जो भी कमांड चलाया है इमीजिएटली, वो कमांड अगर पास हुआ है तो तुमको जीरो रिटर्न करेगा हमेशा। अगर वो कमांड फेल हुआ है तो दैट तुमको हमेशा क्या रिटर्न आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो हम लोग अब इसको क्या करते हैं, अभी मैं रन करता हूँ इसको, तो रिटर्न कोड क्या है, जीरो। बिकॉज मैंने जो इससे पहले ये कमांड रन किया था वो कमांड पास हो गया, राइट, इसलिए उसने मुझे जीरो दिया है कि कमांड है मेरे जो कमांड प्रीवियसली रन हुआ है उसका। और सेम जावा वाला कमांड लेकर आते हैं हम लोग, ठीक है। अभी जावा का कमांड है बिकॉज मुझे, मैंने देखा नहीं है, तो अब वो कमांड पास हुआ फेल हुआ मुझे नहीं पता, तो ये रन करूंगा तो समझ में आएगा। उसने कह दिया 127, तो ये क्या है, नॉन जीरो कोड आया यहाँ पर, राइट, तो फेल हो गया। इस दैट मीन्स कमांड वो फेल हो गया है। अब तुमको पता रहना चाहिए तुम क्या कर रहे थे इसके अंदर में। तो अभी इसमें तो मैं जस्ट जावा रन कर रहा था, और टू बी ऑनेस्ट अगर जावा रहता ना तो भी फेल हो जाता था, बिकॉज जस्ट रनिंग जावा, जावा फेल करता था, खुद बोलता था कि कुछ तो पास करो भाई, मैं अकेला हूँ, मतलब अकेला नहीं रन हो सकता हूँ, उनको फ्लैग पास करना पड़ेगा मुझे रन करने के लिए। ये नॉट द राइट वे, मतलब ये अगर जावा रहता भी ना, कि अगर मेरा इंटेंशन ये था कि मुझे देखना है कि मेरे सिस्टम पर जावा इंस्टॉल है या नहीं, और मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, तो दैट इज अ रॉन्ग वे। मुझे इसको रादर आई कुड हैव डन इट दिस वे, डैश वर्जन। और अभी भी उसने कुछ दिखाया नहीं मुझे, तो आई डोंट नो कि पास हुआ है फेल हुआ है, बट ये मुझे बता दे। तो ये कमांड आई नो फॉर श्योर कि अगर इसके अंदर में जावा रहता तो ये पास आता था, ये जीरो रिटर्न करता था, बिकॉज इसमें जावा नहीं है तो वो रिटर्न नहीं कर रहा। सेम जो हमने अभी यहाँ पे दूसरा कमांड यूज किया था, आई कैन यूज टाइप एज वेल, ठीक है, और फिर से रन कर दूंगा तो वन आ गया। टाइप कमांड को जावा नहीं मिला इसलिए नहीं आया, विच यूज करते हैं देखते हैं। इसमें इसने भी वन रिटर्न किया, तो 1, 127, 2, 3, 4 जो भी आएगा, नॉन जीरो मीन्स फेल्स, जीरो मीन्स पास, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों के, सबको लगता है कि जीरो मतलब फेल हो गया, तो वो एक थोड़ा दिमाग में बिठा देना कि नॉन जीरो मतलब फेल रहता है यहाँ पर। तो रिटर्न कोड हमेशा ये जो बिल्ट इन वेरिएबल है जो ज्यादातर रिडायरेक्शन के कॉम्बिनेशन में यूज होगा, क्योंकि जब हम लोग स्क्रिप्टिंग करेंगे तो वी डोंट, स्क्रिप्टिंग में क्या होगा, एक प्रोग्राम रन होगा। अब जब भी तुम्हारा प्रोग्राम रन होता है तो तुमको दिखता है क्या वो प्रोग्राम का, मतलब तुमको लॉग्स नहीं दिखते, तुमको सिर्फ वही चीज दिखाई जाती है जो तुमको दिखना चाहिए एज अ यूजर। तुमको सिर्फ वही चीजें दिखेगी जो तुमको पता होनी चाहिए, तुमको उसका जो कमांड में, लाइक मैंने SSH किया था, SSH ने बताया क्या मुझे कि मैं ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, जो चीज मुझे देखनी थी वही चीज उसने दिखाया मुझे। उसने फिंगरप्रिंट्स लेकर आया, बोला कि ये है क्योंकि वो चीज से मैं समझ रहा हूँ, बाकी उसने बताया नहीं कैसा क्या करना है। मैं डीबग में रन कर रहा हूँ तो वो बताता है मुझे कि मैंने ये किया ये किया ये किया, फिर भी उसने मैसेज ही बता रहा है मुझे सारे, वो बता नहीं रहा है कि मैंने ये कमांड रन किया तो ये आउटपुट आया, वो सारे के सारे क्या है, हाइड किया हुआ है अपने से, तो हमको दिखाई नहीं देता। जब LSB रन कर रहा हूँ तो वो बता नहीं रहा है कि सी का ये वाला कंडीशन जाके चल गया वो चल गया, ऐसा नहीं बता रहा, सिर्फ मुझे वो बता रहा है मेरा जो कंटेंट दैट मैटर्स टू। तो इसी तरह से जब हम भी ऑटोमेट करेंगे तो ऐसी अननेसेसरी चीजें जो है वो सारे हम लोग हटाते रहेंगे। लाइक मुझे जो जावा कोड है कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए मैं भी जावा ढूंढ रहा हूँ, बाय द वे इवन जो जावा से हम लोग कंपाइल नहीं करेंगे उसको, बट मैं जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट, तो डोंट होल्ड माई वर्ड अगेंस्ट मी। तो मैं जैसे एक बता रहा हूँ, अगर जावा कोड है तो उसको जावा से कंपाइल नहीं किया, मतलब यू कैन डू इट, बट जनरली इंडस्ट्री में मेवन और दूसरी चीजें यूज की जाती है, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ यहाँ पर, लाइक हाइपोथेटिकल सिनेरियो। तो यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू मेक श्योर कि जावा है या नहीं, राइट, एज ए कंडीशन कर दूंगा, नहीं तो क्या होगा, मैं कंपाइल का स्टेज ही फेल हो जाएगा मेरा, बिकॉज जो टूल से मैं जो कंपाइल करना था वो टूल ही नहीं है यहाँ पे। तो एट दैट टाइम मैं एक बीच में हमेशा एक वैलिडेशन रख सकता हूँ कि पहले भाई चेक करो जावा है या नहीं, जावा है तो रन करो, नहीं है तो एक कुछ तो मैसेज प्रिंट कर दूंगा मैं यूजर को, जो यूजर को अच्छे से समझ में आएगा, यूजर इज एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ जावा इस पर नहीं है, फेल हो गया, प्लीज इंश्योर यू इंस्टॉल द जावा एंड कॉन्फिगर इट बिफोर रनिंग द कंपाइल अगेन, ऐसा कुछ मैं एक मैसेज दे दूंगा, राइट, जो जो हाइड हो जाएगा रादर देन थ्रोइंग यूजर को ये सारा कमांड जो यहाँ पे आ रहा था ये ऐसा, क्योंकि इससे यूजर को समझेगा नहीं समझेगा, अगर कोई डेवलपर है या फिर कोई और भी है जो खाली पाइपलाइन रन कर रहा है कंपनी में क्या होगा, एक एक तो सिस एडमिन्स रहेंगे, सिस एडमिन्स में बहुत सारे और अलग अलग ये रहते हैं,
एक ऑपरेशंस रहता है जिसका काम रहता है खाली मॉनिटर करो चीजों को, उसका काम रहता है कि खाली मॉनिटर करते रहो। आगे थोड़े बहुत मतलब टीम्स तुमको अंडरस्टैंडिंग आएगा, मैं बता दूंगा कि जो मतलब विल डिस्कस डेवऑप्स में, नॉट जस्ट इन डेवऑप्स बट इन जनरल किस तरह से होता है। डेवऑप्स जो है जस्ट अ प्रैक्टिस है, डेवऑप्स कोई टूल का नाम नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं डेवऑप्स टूल है, डेवऑप्स इज जस्ट अ मेथड, तो उसको मेथडोलॉजी बोला जाता है, उसको कोई वो टूल नहीं है डेवऑप्स। लाइक हम लोग लिनक्स यूज कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ टेक्निकल टूल, इट्स जस्ट अ मेथडोलॉजी, एक मेथड है जिसको फॉलो करने से सक्सेस होता है। तो और जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, और ठीक है तो हम लोग देखेंगे उसके अंदर में कि वेदर विल लुक इन एवरीथिंग फ्रॉम द डेवऑप्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज दैट्स व्हाट इस अभी मार्केट में चल रहा है। आगे जाके नाम कुछ और हो जाएगा उसका, या फिर कुछ और नया लेकर आएंगे लोग, बिकॉज हर किसी में काम करते 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 कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। डेवऑप्स से पहले जो दूसरे मेथडोलॉजीज थे उसमें भी कर रहे थे, प्रॉब्लम आ रहे थे, तो आगे भी आएगा तो चेंज हो जाएगा, बट एक नॉर्मल जो चीजें रहती है ना वो वैसे ही रहती है। आई वॉज आई केम अक्रॉस वन आर्टिकल मतलब जिसके अंदर में बताया कि हाउ एवरीथिंग रिमेन्स द सेम बट प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम। तो उसके अंदर में एक ऐसा था कि एक बच्चा है, बच्चे को माँ बोलती है कि स्कूल जा, तो बच्चा बोलता है कि नहीं मैं बीमार हूँ, तो माँ बोलती है तू झूठ बोल रहा है, ठीक है। फिर बच्चा वो बड़ा होता है और फिर उसके बाद में वो काम बहुत ज्यादा करना स्टार्ट करता है, जब वो बीमार भी पड़ रहा है तो उसकी माँ बोलती है कि अरे काम मत कर तू बीमार पड़ गया, तो जो बच्चा बड़ा हो गया बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, तो माँ फिर से बोलती है तू झूठ बोल रहा है। तो वापस वही हो रहा है, सिर्फ प्रायोरिटीज बदल गई है, पहले उसकी प्रायोरिटीज अलग थी अब उसकी प्रायोरिटीज अलग हो गई। आईटी में भी वैसे ही होते रहता है, तो वो प्रायोरिटीज बदल जाने से चीजें जो है मतलब फंक्शनैलिटी बहुत सारे लोगों की सेम रहेगी, अलग अलग नाम आ जाएंगे उसके लिए बट चीजें वैसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। तो एक ऑपरेशन वाली टीम रहती है जिनका काम ऑपरेशन बोला जाता है, सस्टेनेंस बोला जाता है, मतलब उनका वही मीनिंग है सस्टेनेंस मतलब सस्टेन करना। एक बार एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे चल रही है तो हमको 24 घंटे देखने के लिए चाहिए, वो कोई कोई एक ऐसा बंदा चाहिए, टीम चाहिए जो उस पर 24 घंटे नजर डाल के रखे रहेगी, ठीक है। तो ऑपरेशंस है और इसको गूगल ने थोड़ा चेंज कर दिया एसआरई वगैरह लाके, तो हम लोग आगे सब देख लेंगे कि व्हाट इज एसआरई व्हाट इज डेवऑप्स। तो इन जनरल ज्यादातर कंपनी जहाँ पे एसआरई उतना फुल ब्लोन यूज नहीं हो रहा होगा, एंड दैट इज द केस एक्चुअली, नॉट एवरीबडी इज यूजिंग द वे गूगल इज यूजिंग इट, जहाँ पे वो लोग ने एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही शेयर करके रख दी है कि एक बंदे को पूरा एक ही चीज पूरा दे दिया है कि तू ही कर सको उसका, तो वो आगे हम लोग देख लेंगे। बट एक इन जनरल एक ऑपरेशन टीम रहेगी जिसका काम रहता है सपोर्ट और सस्टेनेंस, ऑपरेशंस कुछ भी सब बोला जाता है उनको। तो उस टीम का काम रहता है कि खाली देखते रहो बस, और जैसे कुछ फेलियर आएगा तो रिपोर्ट कर दो, स्केलेट कर दो कहीं पर भी, तो वो टाइप की टीम एक रहेगी। तो वो टीम को भी उस टीम के पास भी मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है जितनी हमको रहेगी एज अ सीसएमई। तो डेवऑप्स में भी वैसा रहेगा, अगर तुम कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे बहुत सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आ जाती है, छोटी छोटी एक्टिविटीज करने के लिए पूरी एक टीम ही फॉर्म कर दी जाती है। तो कमिंग बैक टू आर दिस, तो ये एक वन ऑफ द वेरिएबल था, और इसी तरह से बहुत सारे और वेरिएबल्स हैं, बिल्ट इन वेरिएबल्स जो ऑलरेडी यूजर के लिए सेट किए जाते हैं। तो एक इको यूजर है जो कि हमको बता देता है यूजर कौन सा है, शेल है जो हमको बताता है हमारा करंट शेल कौन सा, ठीक है। और ये सारी चीजें मतलब जो डिसाइड होती है, इसके लिए एक फाइल है जो ये वाली फाइल है यहाँ पे, जो हिडन फाइल्स रहती है हमारे पास में, तो ये बाकी सारी जो फाइल्स हैं वी कैन इग्नोर फॉर नाउ। और जो फाइल हमको देखनी है वो ये भी कुछ अलग से आई हुई है, बट प्रोफाइल हिस्ट्री एंड बैश आरसी, ठीक है, तीन फाइल। और बेस्ड ऑन ये डेबियन है, रेड हैट है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आई थिंक। बैश प्रोफाइल रहता है रेड हैट वाले सिस्टम में, यहाँ पे जस्ट प्रोफाइल, एंड देन यू विल हैव बैश आरसी, बैश हिस्ट्री और बैश लॉगिन करके भी रहता है समटाइम्स। तो ये तीन हिडन फाइल्स रहती है, और ये फाइल मतलब क्या करती है, सारी चीजें सेट कर रही है, जो भी चीजें हमको दिख रही है ना यहाँ पर, इनका काम है सेट करना। तो अभी मैं प्रोफाइल को ऐड करता हूँ इसमें, इसको देखते हैं। तो ये प्रोफाइल में क्या है, एक शेल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए आई वाज ट्राइंग टू मतलब ये सारी चीजों को और अच्छे से समझने के लिए अगर तुमको शेल स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग आएगी तो इट विल बी मच मच इजियर। तो अभी के लिए सिर्फ ये इफ कंडीशन चल रही है यहाँ पे,
कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट अ सिंपल इफ कंडीशन चल रहा है, जिसके अंदर में क्या होता है, ये चेक किया जा रहा है कि ये हमको पता रहा है, ये पाथ हमको पता है, ये टिल्डा जिसको बोला जाता है, दैट टिल्डा मींस योर होम डायरेक्टरी राइट, दिस थिंग। तो वो क्या कर रहा है, टिल्डा बोल रहा है, विच मीन्स टिल्डा मतलब क्या कर देगा, वो तुम्हारा एब्सोल्यूट पाथ बता रहा है। तो दिस इज, और इसमें हमेशा एब्सोल्यूट पाथ ही यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है ना, प्लीज हैंड रेज करो और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज को फिर अच्छे से, राइट। तो हैंड रेज करके पूछो कहाँ पर क्या तुमको कन्फ्यूजन है, और फिर उसको वी कैन लुक इनटू फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट एंगल। तो स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आज मे बी वी नॉट बी एबल टू राइट एनीथिंग, और अभी शायद दो तीन लेक्चर हम लोग को वही करना पड़ेगा स्क्रिप्टिंग। तो उसमें हम लोग सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, सारे अप्रोचेस देखेंगे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इज ऑलवेज यूज एब्सोल्यूट पाथ, नेवर यूज रिलेटिव पाथ, राइट। अभी सबको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट पाथ क्या है, रिलेटिव पाथ क्या है। वी हैव सीन दिस, बहुत पहले हमने देख लिया, इट शुड हैव बीन डेड एंड बैरियड, सबके दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए था, एकदम पत्थर की लकीर पे लिखे जैसा सारी चीजें होनी चाहिए थी। इसका सर, ये सारी चीजें कब होगी, प्रैक्टिस करने से ही होगी। तुमको पता होना चाहिए कि नेविगेशन क्या है, अगर ये सारी चीजें नहीं आएगी ना, तो अभी कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो अगर अभी ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ में, तो गो बैक अभी, बिकॉज तुम किसी का ये कोई इसको मतलब कॉलेज और स्कूल के ऐसा मतलब कि एक सिलेबस चल रहा है, मैं पीछे हो गया हूँ, तुम अपनी दुनिया में चल रहे हो, और इवन दो एवरीथिंग इज वर्चुअली हो रहा है, आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीवन के फिजिकल। हाँ एक था कि हाँ ठीक है, वहाँ पे फिजिकल का अलग, फिजिकल क्लास में बैठने का अलग ये फील रहता था, बट वर्चुअल में बैठने का अलग फील है। तो वो ऐसा भी केस नहीं है, तुम रिकॉर्डिंग सुनो या लास्ट लाइव क्लास में रहो, द ओनली चांस यू हैव इज टू आस्क क्वेश्चन, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, आई एम नॉट गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चन, राइट, बिकॉज क्वेश्चन टैकल करना इट्स नॉट दैट ईजी। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी इतने नहीं आते, तो इवन यू वॉच अ वीडियो और यू जस्ट गो थ्रू दैट, इट्स अ सेम थिंग। तो चीजें जाके समझो, एक अपना खुद का ही रहो, किसी के साथ में कम्पीट करने की जरूरत नहीं है, किसी का ग्रुप बना के करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें तभी करना, इट्स बेनिफिटिंग यू, बट ये जो चीजें हैं ना, आई हैव सीन दैट डजंट वर्क वेरी वेल फॉर एवरीवन। मतलब तुम अपना एक ऐसा करो कि मैं मेरा खुद का गोल है, मेरी आई एम इन माई ओन वर्ल्ड अलोन, बिकॉज इन इवेंचुअली इट्स एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो सब अपने अपने लिए ही कर रहे हैं, एंड तुमको उस तरह से करना है, कॉलेज के जैसा नहीं कि हमारा एक सिलेबस है, मेरा सिलेबस छूट जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं पीछे रह जाऊंगा। पीछे रहने नहीं, तुमको जॉब लेना है, तुम आज ले लो या 6 महीने के बाद ले लो या 1 साल के बाद ले लो, तुम्हारी मेहनत के ऊपर है, और मेहनत कर रहा है कोई भी तो 3 से 2 महीने में जॉब ले ही ले रहे। ऑलराइट, ओके, आई हैव अ वन हैंड आई सी, यस बोलो समीर। Sir, one small question is, in future classes, maybe next Sunday or maybe whatever the next classes you are going to take, in those classes you are going to teach me this scripting, self-scripting? Yes. Okay, thank you. That's it. Okay, no problem. Okay, so, right. So that's what I'm saying, कि कुछ चीजें जब यहाँ पे तुमको पता नहीं है ना, और मैं यहाँ पे अब फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो I'm just spending another 10 मिनट वेस्ट कर दिया मैंने, बिकॉज यू नीड टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड मोर देन टेक्निकल, यू नीड टू बी स्पिरिटेड और यू नीड टू बी चार्ज्ड, और दैट एक्चुअली वही चीजें क्या कर देगी, तुमको बनाने में काम करेगी। तो यू नीड टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड स्पिरिटेड, पॉजिटिव माइंडेड, कि कभी भी मतलब तुमको ऐसा मतलब कि नहीं होगा मेरे से, ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, तुमको बस सपना करना है। और अगर तुम्हारा फ्रेंड को देख के तुम इंस्पायर होते हो पॉजिटिव वे में, देन डू इट, अदरवाइज तुमको ऐसा लग रहा है वो आगे चले गया, मैं पीछे चले गया और हिम्मत टूट जा रही है, तो डोंट इवन लुक एट इट, जस्ट तुम करो यहाँ पर, एंड यू कैन डायरेक्टली कोलैबोरेट विद द कम्युनिटी, यू कैन डायरेक्टली कोलैबोरेट विद मी, और आई कैन ऑलवेज हेल्प यू व्हाट एवर तुम्हारी डिफिकल्टीज होंगी एट दैट टाइम, ठीक है। All right. So coming back to this, shell best practices. So one of the best practices ये रहेगा कि हमेशा use absolute path. और ये जो है ना, even though it's not written in as absolute दिख नहीं रहा है, but ये absolute है, right? Absolute का जो definition क्या है, कि कोई सा भी path root से start होता है. That is forward/root. Absolute path में क्या होगा कि कोई भी forward/ से start होना चाहिए. तो that is the main thing of the एब्सोल्यूट पाथ। उसके बाद में जो भी फॉरवर्ड स्लैश रहते हैं, दैट इज अ सेपरेटर, दैट इज नॉट रूट। एक ही रूट है जो स्टार्टिंग में आता है फॉरवर्ड स्लैश,
उसके बाद में सारे ये रहते हैं. तो दिस गाय जो टिल्डा है, टिल्डा इज एक्चुअली डूइंग अ सब्स्टिट्यूशन फॉर योर /home/username. अब इस केस में क्या रहेगा, रूट है तो रूट का यूजर नेम उनको पता है, /root. तो रूट रूट मतलब रूट का जो रूट का होम क्या है, रूट है. और अगर कोई नॉर्मल यूजर रहता तो उसका टिल्डा क्या रहता था, /home एंड देन /username. तो ये दिस वुड हैव बीन द टिल्डा फॉर हिम. तो ये एब्सोल्यूट पाथ ही है एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज. रिलेटिव पाथ जितना अवॉइड करोगे उतना तुम्हारा ज्यादा बेटर रहेगा. अदरवाइज तुम रिलेटिव पाथ यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव पाथ डिपेंड करेगा द लोकेशन फ्रॉम विच यू आर एग्जीक्यूटिंग योर स्क्रिप्ट. अगर तुम लोकेशन चेंज कर दोगे, रिलेटिव पाथ का मतलब क्या है कि मैं रूम ए में बैठा हुआ और तुमने बोल दिया है कि रूम ए में से तुमने ऐसा बोला है कि रूम बी में से ये सामान लेना, तो ए से बी में क्या एक ही हॉप था, तो तुमने ए में ऐसा जब ए में तुमने इंस्ट्रक्शन लिखा था कि लेफ्ट ले लो और तुम बी में पहुंच गए. अब क्या होगा, वो सेम इंस्ट्रक्शन लेके मैं रूम जी में चले गया. अब जी में जाने के बाद में मैं जी में लेफ्ट लेता हूँ तो एच आ जाएगा क्योंकि रूम एच है मेरे लेफ्ट में. तो मैं जब वहां से चले आऊंगा तो एच में चले आऊंगा तो वहां पर मुझे मिलेगा ही नहीं जो मैं ढूंढ रहा हूँ. तो इसलिए तुम एब्सोल्यूट लिखोगे तो हमेशा डोर से स्टार्ट करो कि डोर से आना है, हॉल है, हॉल के बाद सीधा आना है लेफ्ट है. तो जब तुम वो जी में रहे एच में रहे तो हमेशा वो डोर से आएगा, हॉल रहेगा, उसके बाद में उसका जो रूम रहेगा वो रूम रहेगा. तो दैट इज द बेनिफिट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. ठीक है, तो अपने रियल लाइफ में ऐसा सोचो कि 10-12 कमरे हैं, जब 10-12 मतलब डायरेक्टरी लोकेशन होंगे, वॉट एवर मेक्स योर अंडरस्टैंडिंग बेटर रादर देन जस्ट स्टेप फॉलो करने की बजाय, तो वो उसका बेनिफिट है. अभी यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ उसको हमेशा कि हॉल से आना है और हॉल से पहला रूम है, तो हॉल में आ रहे हैं पहला रूम यही है. चाहे मैं 10वें रूम में भी बैठा रहूंगा, मैंने सिर्फ ऐसा नहीं बोला है कि साहब बाहर निकल के पहला रूम, तो 10वें रूम से बाहर निकल के पहला रूम रहेगा, 9वां रूम 9th वाला रहेगा, तो मे भी वो उसमें चले जाऊंगा. लेकिन सारी जो फाइल रखी हुई है वो तो पहले रूम में रखी हुई थी, लेकिन मैंने तो रिलेटिव पाथ बताया तो उसमें सिर्फ एक ही रूम में गया हूँ. तो दैट इज द डिफरेंस कि तुम गलत डायरेक्शन में जा सकते हो. इसलिए स्क्रिप्टिंग में हमेशा अवॉइड करना है क्योंकि जो लोकेशन से तुम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करोगे ना तो थिंग्स विल चेंज. तो दैट इज द केस. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन चल रही है और ये पहली कंडीशन जो है ये बूलियन वाली चल रही है क्योंकि इसमें जो है कुछ इवैल्यूएट नहीं किया गया. बूलियन का मतलब रहता है ट्रू फॉल्स आएगा. ट्रू फॉल्स में क्या होता है कि अगर तुम्हारा ट्रू रहेगा, इफ में क्या, इफ कंडीशंस का जो ब्लॉक है, लेट मी राइट दिस डाउन हियर, तो इफ यहाँ पे रहता है और उसके बाद कंडीशन रहेगी. हम लोग कंडीशन इवैल्यूएट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद में यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट रहेगी हमारी कि अगर कंडीशन ट्रू है हमारी, ठीक है, या एल्स करेंगे और उसके बाद में फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी यहाँ पे. अगर जो कंडीशन मैंने यहाँ पे बोला था कि वन, अगर मैंने उसको बोला कि नम इक्वल टू वन, ठीक है, और नम का वैल्यू ये मैंने ऐसा ये किया सब, यहाँ पे जो कंडीशन इवैल्यूएट होगी ना तो नम इक्वल टू वन आएगा क्योंकि ये, और अगर मैंने नम का वैल्यू जो मेरा वेरिएबल उसको टू लिखा हूँ तो रन टाइम पे क्या होगा, टू इक्वल टू वन विच इज नॉट ट्रू, राइट. तो ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, फॉल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. दैट इज द वे, यही एल्स इफ कंडीशन. अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, मतलब इसमें बेस्ड ऑन तुम किसको कंपेयर कर रहे हो. नंबर को कंपेयर करने के लिए अलग ऑपरेटर यूज किया जाता है, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए अलग ऑपरेटर यूज किया जाता है. तो वो चीजें देख लेंगे उसको, मतलब स्क्रिप्ट में अच्छे से. अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर बूलियन चल रहा है तो ये बैश क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम लोग एको करके देखते हैं. तो ये आ गया, तो अभी इसमें ये आ गया है ना, तो इसका जो तुमको ट्रू फॉल्स देखना है ना, तो बेसिकली यू हैव टू जस्ट सी द रिटर्न कोड. तो ये जीरो है, तो जीरो का मतलब क्या है, पास है. पास को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू. तो यहाँ पे उसकी कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है. तो फिर वो अगले इफ में आ गया है, एक नेस्टेड इफ चल रहा है यहाँ पर. अब अगले इफ में आके उसने फिर से क्या कर रहा है, ये एक ये डैश एफ जो है ये एक टेस्ट फंक्शन है, मतलब लिनक्स में जो है ना एक टेस्ट कमांड है. जैसा हम लोग ls कमांड यूज कर रहे हैं ना, तो ये टेस्ट कमांड देखते हैं हम लोग क्या है. तो डैश ए करता हूँ, तो ये देखो बिल्ट इन है, राइट. ये हमेशा रहेगा ही, इट्स नॉट लाइक किसी ने तुमको कस्टमाइज ला के दिया, क्योंकि ये इस तरह से यूज होता है. उसका लोकेशन यहाँ पर है, तो ये यूजर बिन टेस्ट में लिखा हुआ है. अब ये टेस्ट में मतलब ये जो ये टेस्ट कंडीशन है, यहाँ पे हम लोग कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं. और डैश एफ का मतलब इसमें तुमको मिल जाएगा व्हाट इज दैट. तो इसमें अगर तुमको देखना है कि एफ क्या है, तो वी सिंपली गोइंग टू टेस्ट.
और सर्च करने के लिए क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश दबाना है और द स्ट्रिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर इज एफ, तो फॉरवर्ड स्लैश डैश एफ, या नीचे देखो यहाँ पे मैंने दिया है और एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो मैं यहाँ पर आ गया, उसने हाईलाइट कर दिया है, बोल रहा है एफ फाइल एग्जिस्ट एंड इज अ रेगुलर फाइल। तो डैश एफ का मतलब क्या है, ये कौन सा टेस्ट करेगा, ये देखेगा कि ये फाइल एग्जिस्ट है और ये रेगुलर फाइल, ये कोई बाइनरी फाइल या कोई अलग फाइल, करप्टेड फाइल, ऐसी कोई स्पेशल फाइल नहीं है, ये रेगुलर फाइल है। तो डैश एफ ने क्या किया, चेक किया कि ये फाइल है या नहीं इस लोकेशन पे, और रेगुलर फाइल है या नहीं वो भी चेक किया उसने, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो डॉट है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट अगेन। अब डॉट का मतलब क्या रहता है, ये डॉट बेसिकली, इसका डॉट का मतलब है कि इसको रन करना, इसको रन करने के तरीके हैं, स्क्रिप्ट को रन करने के जो है तरीके हैं, और वो तरीके जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स गेट रेड ऑफ दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन मेथड्स है हमारे पास में, जिसमें मतलब कोई सा भी मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें स्क्रिप्ट का नाम देना ही पड़ता है हमेशा। तो सब में जो पहला मेथड है उसमें सोर्स करके हम कमांड है जिससे यूज कर सकते हैं, देन स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नेम डॉट एस एच, और शेल स्क्रिप्ट में हमेशा जो रहेगा एक्सटेंशन है डॉट एस एच का है, ठीक है। और शेल स्क्रिप्ट में डॉट एस एच है लिनक्स का, और विंडोज का जो रहता है डॉट पी एस वन रहता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। पाइथन रहता है डॉट पाई रहता है, जावा रहेगा डॉट जावा रहेगा, तो अलग अलग हर फाइल के क्या रहते हैं एक्सटेंशन रहते हैं, राइट। तो लिनक्स के लिए सारे जो फाइल है डॉट एसएच रहेंगे, अगर वो विंडोज में पावर शेल वगैरह लिख रहे हैं तो विच इज सेम एज शेल स्क्रिप्टिंग, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है वो, तो उसके लिए पी एस वन एक्सटेंशन रहता है उसको, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वे टू डू दैट, हम लोग कमांड क्या यूज करेंगे, सोर्स एंड वी कैन सोर्स दिस। सेकेंड वे हम लोग डॉट यूज कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट द सेम चीज होता है वहां पर। और थर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो जो हमारा शेल है, जो भी शेल से हमको उसको रन करना है, तो शेल भी शेल के टाइप्स देखेंगे, राइट। बैश है, जी शेल है, के शेल है, फिश है, और मतलब यही है ज्यादातर, और भी होंगे, और एक नॉर्मल हमारा शेल रहता है। तो अगर हम लोग बैश यूज कर रहे हैं तो आई कैन गिव बैश देन स्क्रिप्ट नेम, तो सोर्स से रन कर सकते हैं, डॉट से रन कर सकते हैं, बैश से रन कर सकते हैं, अगर हमारा शेल है तो शेल से रन कर सकते हैं, सर शेल का जो है वो एसएच करके रहता है, तो वी कैन गिव दिस ये। अब बेस्ड ऑन हम लोग जब इससे और इससे रन कर रहे हैं ना हम लोग, तो वो ऑटोमेटिक चूज कर लेता है। और एक और वे जो स्क्रिप्ट है जिसमें यू हैव टू मेक योर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल, और एक डायरेक्ट है, हम लोग स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं फुल पाथ से, रूट पाथ सिर्फ ऐसा भी रन कर लोगे तो हो जाएगा। और इसको ज्यादातर लोग इस तरीके से रन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें खाली क्या होगा, ये दो जो है ना थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिख रही है इसके अंदर में, कि इसमें डॉट से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी ये दोनों, इसमें भी डॉट से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से भी डॉट से स्टार्ट किया, ये डॉट का मतलब डिफरेंस है, और मतलब ये डॉट बेसिकली दोनों भी काम कर देंगे, जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग। और ये जो दो मेथड है ना, ये सोर्स करने के लिए यूज किया जाता है, सोर्स करना मतलब फाइल में जो भी रहेगा उसको फिर सोर्स करना, मतलब वही रन ही हो जाता है जस्ट, क्योंकि लिनक्स में कुछ भी एवरीथिंग इज अ फाइल, और फाइल में हर हर चीज जो है वो स्क्रिप्ट जैसा ही लिखा, तो ये दोनों सेम है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये दे बोथ आर द सेम एग्जीक्यूशन, क्योंकि डॉट का मतलब हमको पता रहता है करंट डायरेक्टरी, और डॉट हमेशा क्या करता है तुम्हारा करंट डायरेक्टरी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का बताता है, जहां तक तुम्हारी फाइल है, डॉट एंड डबल डॉट, राइट। डबल डॉट इज द पैरेंट डायरेक्टरी एंड डॉट इज द करंट डायरेक्टरी, तो करंट डायरेक्टरी में से भी हम लोग सर करके रन कर सकते हैं, हम लोग इसके सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे मोर लेटर, बट दीज आर द डिफरेंट वेज यू विल फाइंड पीपल आर रनिंग द स्क्रिप्ट। और अभी जो हमने एक वे देखा है वहां पर, ये तरीके से वो लोग स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, तो इसमें ये इस तरीके से रन हो गया, तो ये क्या हो रहा है, अब इस फाइल को फिर से रन कर दिया। एक तो ये फाइल क्या हुआ, जैसे तुमने लॉग इन किया ना, तो ये फाइल रन हो जाती है, ये फाइल रन होके क्या करती है, वो खुद जाके इस फाइल को रन कर देती है बेस्ड ऑन टू कंडीशंस, अगर दो कंडीशन मीट होती है तभी जाके, एक तो
ये वेरिएबल सेट रहना चाहिए बैच का, और दूसरा ये फाइल भी रहना, फाइल भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये फाइल मुझे रन करना है ना। अगर ये फाइल नहीं रहेगी तो मुझे रन करके फायदा क्या है उसको। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये फाइल एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। तो इसलिए वो कंडीशन, दो कंडीशन चेक की कि फाइल है और फाइल एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये फाइल में ये जो फाइल है, तो ये वाली मतलब जो स्क्रिप्ट है वो रन हो रही है। अब इसके अंदर में डॉट एस एच नहीं दिया गया है, तो दैट इज ओके, नहीं भी देंगे तो भी चलता है। उसके अंदर में एज लॉन्ग एज जो कमांड्स हैं वो सारे वैलिड कमांड्स रहने चाहिए। बट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस यू शुड ऑलवेज कीप द इंटरप्रेटर, जो हम लोग देखेंगे आगे मे बी टुमारो, बिकॉज दो तीन और दो एक टॉपिक है जो हमको कवर करने बिफोर दैट। ठीक है, तो ये बैश आर सी, ये जो सब फाइल है ये स्केलेटन डायरेक्टली यूजर बनाते टाइप पे कॉपी हो जाता है। जो यहाँ पे सारे हिडन फाइल है इसलिए नहीं दिखाई दे रहे अपने को, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या हुए थे, कॉपी हो गए थे। बैश आर सी, बैश प्रोफाइल, प्रोफाइल क्या कर रहा है, इसको ही रन कर देता है। प्रोफाइल का काम क्या रहता है, इसको रन करने का रहता है। लॉगआउट जो है वो सारी लॉगआउट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखता है, और एक और बन जाता है हिस्ट्री जो यहाँ पे बना हुआ है, जो कि मतलब फर्स्ट लॉगआउट करने के बाद में एक हिस्ट्री बनता है। हिस्ट्री में क्या रहता है, हमारा कमांड रहता है, जो हम लोग ये हिस्ट्री कर रहे हैं ना, तो दैट एक्चुअली दिस इन्फॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम हिस्ट्री, वो यहाँ से। तो सारे जो कमांड हिस्ट्री कमांड से निकाला मैंने, वो सब यहाँ से आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, मेरा एक जब सेशन हो जाएगा ना, तो उसके बाद में वो सारे जो कमांड है इसके अंदर में वो चले जाएंगे। अभी सारे कमांड मेरे सेशन में है, बिकॉज मैं अभी स्टिल आई एम लॉग्ड इन, और मेरा जैसे मैं सेशन लॉग आउट करूंगा, जो लॉग आउट में एंट्री जाएगी बैच लॉग आउट में, और उसके बाद में बैच हिस्ट्री में पूरे कमांड जो मेरे यूज किया था मैंने इस सेशन के लिए, सारे के सारे वहां चले जाएंगे। तो ये फाइल्स हैं, और अगर बैच आरसी देखेंगे तो बहुत बड़ी रहेगी अभी। तो बैच आरसी का एक ही पर्पस है कि लाइक मैंने वेरिएबल सेट किया था, और ये एज अ वन ऑफ द एक्सरसाइज भी किया है हमने, लाइक असाइनमेंट में दिया गया था ये कि किस तरह से तुमको परसिस्ट करना है। लाइक मुझे एलियस मैंने बनाया हूँ, आई कैन क्रिएट एलियस नाउ एज वेल, जैसे मैं वो एलियस खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो एलियस हमेशा परसिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो बैश आरसी का काम रहता है कि यूजर स्पेसिफिक सारे चीजें को परसिस्ट करे एवरी टाइम यूजर लॉग्स इन, जब भी यूजर लॉग इन करेगा तो उसको वो मिलेगा। लाइक मुझे कुछ कमांड परसिस्ट करना है, मैंने कस्टम इस पे कमांड, मैंने एक कमांड इंस्टॉल किया हूँ और उसको कस्टम लोकेशन पे रखा। अब वो कमांड मुझे हमेशा चाहिए। तो दो एग्जांपल देखेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में, एंड बेस्ड ऑन दैट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी क्लियर होगी। तो ये जो फाइल है इसमें दो लेवल है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि लिनक्स पे क्या है हमारे पास में यूजर है, एंड हमारा करंट यूजर रहेगा एक, और अदर यूजर्स रहेंगे, और करंट सेशन रहेगा। तो मैं जो भी वेरिएबल शेल पे लिख रहा हूँ तो मेरे करंट सेशंस में है। जैसे मैंने सेशन लॉग आउट करूंगा, लाइक मैंने अभी जो वेरिएबल बनाया था स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वार जो मैंने लिखा था ऑपरेटिव, तो वो मेरे करंट सेशन में, जैसे मैं यहाँ से लॉग आउट करूंगा, क्योंकि करंट सेशन क्या है, मैंने यूजर में ही लॉग इन, तो मेरे करंट सेशन में, बट वो यूजर में नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे से लॉग आउट करूंगा तो निकल जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो लेट्स सी दैट, टैब कंप्लीशन में कर लेता है वो, और वहां से हम लोग देख सकते हैं एंटर किया तो आ गया। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ और फिर से रूट पे जाता हूँ, फिर से वो कमांड रन करता हूँ, तो कुछ भी नहीं आया, बिकॉज मैं रूट में था, रूट का करंट सेशन चल रहा था, वो सेशन खत्म हो गया बिकॉज मैंने लॉग आउट किया। अब ये वेरिएबल भी परसिस्ट नहीं हुआ, तो अभी मुझे ये ऐसा होगा राइट, रियल एग्जाम्पल्स में क्या होगा कि तुम्हारा कुछ भी रहेगा, तुम्हारा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा या तुमको लॉग आउट करना पड़ेगा तो चले जाएगा। हाउ डू यू परसिस्ट इट कि एवरी टाइम पे वो अवेलेबल रहे। तो तुम्हारे पास में यूजर स्पेसिफिक जो बैश आरसी फाइल है या बैश प्रोफाइल फाइल है, बिकॉज चलता कौन सा है, प्रोफाइल फाइल चल रहा है सबसे पहले। प्रोफाइल फाइल ही क्या करता है, आरसी को सेट करता है। तो प्रोफाइल क्या हो रहा है, जैसे मैं लॉग इन करता हूँ उस यूजर पे, प्रोफाइल फाइल रन हो जाती है। ठीक है, और प्रोफाइल में मैं कुछ भी दे दूंगा तो चल जाएगा। तो इधर आई कैन पुट दिस वेरिएबल
इनसाइड दिस विच इज जस्ट इसी को रखना है, कुछ भी नहीं करना है उसको, और मैं सेम बैश आरसी में भी रख सकता हूँ, ठीक है? तो ये दोनों में रख दूंगा तो क्या होगा, इस यूजर को हमेशा अवेलेबल हो जाएगा. वट अबाउट अदर यूजर्स, आई वॉन्ट अदर यूजर्स टू यूज दैट एज वेल, तो उसके लिए मुझे एक दूसरे लोकेशन पे रखना पड़ेगा जिसमें जो है PTC profile. ये फाइल में डालने से क्या हो जाएगा, सारे यूजर को अवेलेबल हो जाएगा. ये फाइल में डालने से सिर्फ करंट यूजर को अवेलेबल होगा, और जस्ट मुझे करंट सेशन के लिए चाहिए तो जस्ट ऐसा मेरे कमांड लाइन पे सेट कर दूँ, वो हो जाएगा मेरा काम. तो दैट इज द वे थिंग्स हैपन. और बैश आरसी में सारे इन्फॉर्मेशन हैं, और मोर हम लोग और उसको समझेंगे, विच आई वुड इनकरेज यू गाइस टू गो एंड लुक आफ्टर वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट. और इसमें कुछ नहीं हो रहा है, सारे एलियस सेट हुए हैं. अगर मैंने एक एलियस सेट किया हूँ अभी, if I were to do that now, it will be available in my current session as long as I'm logged in. The moment I log out, it will disappear. नहीं रहेगा available. If I want to persist, तो current sessions में क्या है? Ephemerals है. जो word है ना, keep the word in mind. Ephemeral. Spelling भी sometimes गलत हो जाती है, but ये जो word है ना, ज़्यादा use होता है. और persist. Persist करना उसको मतलब हमेशा रख रहे हैं. Ephemeral मतलब short leave है. जो कम टाइम के लिए जिंदा रहने वाला है, अलाइव रहेगा, अवेलेबल रहेगा. और ये जो वर्ड है अपने टर्मिनोलॉजी से, अपने आईटी में जो बार बार हर जगह पे यूज होंगे, आगे भी जाके क्लाउड पर, डेवऑप्स में, और जो भी टेम्पलेटिंग टूल्स हैं, बहुत सारे जगह पे ये यूज होगा. तो कंसेप्चुअली चीजों को समझने की कोशिश करो, रादर देन स्टेप समझने की कोशिश करो. इसलिए मैं हाई लेवल वो भी दे रहा हूँ. और ये प्रोफाइल को जो लिनक्स सिस्टम्स है, ज्यादातर लिनक्स रहेंगे, और हमेशा वो याद रखना है तुम किस पे काम कर रहे हो. यू आर वर्किंग ऑन द रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और यू आर वर्किंग विद डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो ये दो मेजर फैमिलीज है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, रेड हैट वाली और डेबियन वाली, फेडोरा एंड डेबियन, एंड देन यू हैव सूजे एंड अदर एज वेल. तो रेड हैट की फैमिलीज में हमने देखा है क्या क्या है. ओईएल है जो ओरेकल है, ओरेकल का भी आता है, सेंटोएस है, एंड फेडोरा है, और अमेजोन का जो अमेजोन लिनक्स जो है, ठीक है? तो ये सारे जो रहेंगे, तो इस पे तुमको डॉट प्रोफाइल फाइल नहीं दिखने वाली है. ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो फाइल का नाम है, उसका नाम रहेगा बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल, एंड देन यू हैव डॉट बैश आरसी एज इट इज, ठीक है? और ये जो बताया हूँ मैं, बिकॉज राइट नाउ आई एम लॉग्ड इन ऑन उबंटू सिस्टम, तो अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उबंटू है, डेबियन है, कैली है, जो आगे वो जो उसके फैमिली से आ रहे हैं. तो उबंटू, डेबियन, कैली है, ये सब है. और ये ज्यादातर रेड हैट में ये तुमको इतने हैं, इसमें से यहाँ फाइल का नाम हो रहा है, पर्पज सेम है, नाम अलग किया हुआ है. तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे यू विल सी दैट डिफरेंसेस. तो हम लोग बार बार POSIX POSIX बोलते रहते हैं, और POSIX को एकदम सिंपल टर्म में समझना है तो जितने भी मैं टर्म बता रहा हूँ ना, मैं पर्पसली लिख रहा हूँ ताकि एटलीस्ट तुमको लगे कि ये क्या है. और कोई मुझे क्वेश्चन पूछेगा ना क्या है POSIX, तो आई विल सिंपली से दैट गाय जाओ पीछे आके वीडियो में देखो, हमने वहां पे समझ लिया अच्छे से. तो जो भी टर्म हमने डिस्कस किया है ना, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बट मैं पर्पसली उसको याद करूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में फिर से वो यादें ताजा हो जाए. और ये सारी चीजें हैं, मैं आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समबडी टू प्रिपेयर द नोट्स, जो भी मैं बोल रहा हूँ कि ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, और मुझे कोई बताए, देखते हैं कौन करने वाला है. बिकॉज हिंट दे वन से दे रहा हूँ कि जो भी मतलब मेहनत करना चाह रहा है, जो जिसको अगर देखना है मैजिक, जो मेहनत करने के बाद ही होगा, वो ऐसे अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे करेगा. जो जस्ट आगे बस मोबाइल पे खड़े खड़े वीडियो देख रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके बाद में कुछ प्रोसेस नहीं कर रहा दिमाग में, उसका कुछ नहीं होने वाला, मतलब कुछ भी नहीं होगा. अनलेस यू आर आइंस्टाइन, अगर तुम कोई जीनियस हो अपने टाइम की तो अलग बात है, और अगर तुम अपने टाइम के जीनियस रहते तो यहाँ पर नहीं रहते थे, तुम कुछ अलग लेवल पे रहते थे, राइट? एवरी पूरी दुनिया तुमको जानती थी. तो मतलब ऐसा ये रखो कि कुछ करें ऐसा, और सब हर कोई मेहनत करके ही करता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, ठीक है? ओके. तो POSIX समझना है, पीछे जाके देखो, और POSIX में जो ज्यादातर चीजें सेम रहेगी, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो डिफरेंसेस रहेगी, लाइक माइनर है, राइट? बट कोर फंक्शनैलिटी सेम ही रहेगा, तुमको बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है. POSIX का कंसेप्ट ही वही था, और आगे कंटेनर में भी ऐसा ही एक मूवमेंट है. That something we'll see that as well. तो चीजें कनेक्टेड है एंड इंस्पायर्ड भी है, दे आर एक्चुअली वो उसे एक जो बनी हुई है उसी का इनहांस वर्जन है, या फिर सेम कंसेप्ट वो दूसरी नई टेक्नोलॉजी में लेकर आ जाए, जस्ट टू मेक श्योर के
क्योंकि फिर से सोचते बैठना है तुमको सारे एंगल से चोरी के, तो उससे अच्छा है कि जो पुराना मॉडल किसी ने ये किया हुआ था, ज्यादा जो मॉडल हमेशा काम करता है वही मॉडल यूज करते हैं हम लोग सिंपली, इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यू मॉडल. ठीक है, ओके. सो ये दैट्स द वे इट्स गोइंग टू वर्क. एंड एनीथिंग दैट वी वांट टू परसिस्ट लाइक एलियस, फंक्शंस, कमांड्स, वेरिएबल्स, तो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगे. अब फंक्शंस क्या है वो भी हम लोग देखेंगे स्क्रिप्टिंग में, बट ये फाइल में जो बैश आरसी में है तुम्हारे एलियस आ जाएंगे. एलियस सिंपल है, जैसा देखा हमने. फंक्शंस आ जाएंगे, फंक्शंस विल सी दैट, एंड वेरिएबल्स रहेंगे. एंड इफ यू वांट टू रन एनी स्क्रिप्ट्स इनसाइड दैट एज वेल यू कैन रन. तो एक्चुअली इट गोज दिस वे, मतलब वेरिएबल्स हैं एंड देन यू कैन राइट एलियसेस, देन यू कैन राइट फंक्शंस, एंड देन यू कैन राइट स्क्रिप्ट. एंड तो ये सारी चीजें जो है तुम बैश आरसी में कर सकते हो यहाँ पे. एंड आई वी कैन डू वी कैन रन द स्क्रिप्ट हियर एज वेल, और स्क्रिप्ट लाइक सिंटैक्स, बिकॉज ये कमांड लाइन पे वी कैन नॉट राइट होल लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू कैन स्टिल राइट इफ यू वॉन्ट. लेकिन वो ज्यादा क्लीन वे में नहीं रहेगा, जो ज्यादा तुमको अच्छे से समझाएगा, तो उस तरीके से नहीं रहेगा. अब एलियस में एलियस जो है सिंपल है, यहाँ पे देखा ना तुमने जिस तरह से एलियस है, ये जो एल एल है इट्स नथिंग बट दिस. तो अगर मैं ये कमांड रन करूंगा तो इट्स यही है वो एलियस. और दूसरा जो कलर वाला है वो भी किया. अब एक चीज आई लाइक टू डू दैट, मतलब मैं एक नॉर्मल एलियस बनाता हूँ वी आई में. अब वी आई जब ये फाइल है मेरे पास में, है कोई फाइल, ठीक है ये फाइल है मेरे पास, लेकिन इसमें नंबर नहीं है राइट. यहाँ पे 1 2 3 ऐसा बता नहीं रहा है, नॉर्मल एडिटर में नंबर बताता है. तो मैं अगर इसमें ये सेट करूंगा ना, अब ये जो सारे वी आई के, अगर कोई वी आई की प्रैक्टिस कर रहा होगा बार 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 बार, तो तुमने थोड़ा सा एडवांस करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग को. एक बेसिक्स मैंने बता दिया था जो बेसिक कमांड फॉर योर सर्वाइवल. नाउ तुमको बेसिक से इंटरमीडिएट जाना है, एडवांस जाना है, ठीक है. इवन आई एम नॉट अ एडवांस वी आई यूजर, बट आई यूज मोर देन बेसिक्स वाला, ठीक. तो ये कुछ है जो जो मैं यूज करता हूँ नॉर्मली टू मेक वर्क ईजी. तो यहाँ पे ऐसा मैं करूँगा तो नंबर आ जाएगा राइट. अब आई कैन सिंपली लुक इन टू एग्जैक्ट नंबर, या फिर मैं किसी को डिक्टेट कर रहा हूँ तो मैं तुमको बता सकता हूँ लाइन नंबर 18 पे देखो, बिकॉज आई एम लुकिंग एट लाइन नंबर 18. लाइन नंबर 18 पे ये ऐसा करके जा सकते हो, और एक तरीका भी है, कोलन करके 18 प्रेस करोगे ना तो 18 पे आ जाएगा. देखो यहाँ पर ये देखो लाइन नंबर 18 पर हूँ, तो तुम कोलन करके ऐसा मुझे लाइन नंबर 2 पे जाना है तो कोलन 2 कर दो, तो ये जाओ. तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आगे मैं यूज करते जाऊंगा जस्ट, और जो भी नई चीज रहेगी ना मैं एक बार बता दूंगा तुम लोगों को, लेकिन मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा, बिकॉज वी आई का बेसिक्स देखा है एंड इट्स जस्ट अबाउट कमांड. नाउ मैं कमांड रन कर रहा हूँ जो हमने देख भी लिया है वी आई में पूरा डिटेल में, कि कितने मोड्स रहते हैं, कितने एंड चिट चिट वी ऑल्सो सीन द चिट चिट. क्वेश्चन है क्या किसी के पास? तो एक चीज दैट आई लाइक टू डू इज टू, मतलब मैं एलियस बना लेता हूँ कि जैसे मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, जैसे मैंने फाइल ओपन किया था नहीं था, तो वी आई में प्लीज कौन है जो अनम्यूट कर रहे हैं, अपने आप को म्यूट रखो अनलेस यू हैव क्वेश्चन. अब वी आई में भी अलग अलग तरीके, जैसा शेल के लिए जो कंट्रोल कर रहे हैं ना हम लोग, के जो शेल में था बैश आरसी और प्रोफाइल ऐसे चीजें, तो वी आई में भी है वो. और इट्स नॉट जस्ट इन वी आई, ये जो कंसेप्ट है ना इट विल बी एवरीवेयर. मैं तुमको और हम लोग के जो चीजें टूल्स हैं, टेराफॉर्म है, एंसिबल है, सॉल्ट है, आगे हम लोग उसमें मैं दिखाऊंगा. आई थिंक इट्स सादिया, कैन यू प्लीज म्यूट, आई ट्राइड म्यूटिंग यू ट्वाइस नाउ. डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेज करो, एंड नॉइज भी है तो आई एम नॉट श्योर इफ यू रियली वांट टू स्पीक. ठीक है, तो जो कंसेप्ट ऑफ आरसी है जिसका नाम है रूट कंसोल, तो बैश आरसी इज अ बैश रूट कंसोल है. तो वी आई में जो मैंने अभी कमांड यूज किया, जो कि मेरा कमांड था सेट एन यू फॉर नंबर, तो अगर मैं इसको हमेशा करना चाहता हूँ तो आई कैन एक्चुअली पास दिस कमांड वी आई पे भी मैं कर सकता हूँ, और जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि सेट एन यू बोल सकता हूँ उसको, वी आई ओपन करूँगा तो ऑटोमेटिक वो ये हो जाएगा. ठीक है, एंड देन फाइल का नाम कर दूंगा, तो ये ओपन करते टाइम पे हो गया. आई कैन क्रिएट अ वी आई आर सी एज वेल, वीम आर सी बोला जाता है जिसको,
.vimarcy और इसमें जाके लिख दूंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो दैट वे ये करने से क्या होगा, इसमें क्या था, एक फाइल के अंदर में किया, ये वाला करूंगा तो दैट इज दिस, यहाँ पर आ जाऊंगा, और अगर ये करूंगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। और अगर मुझे सबके लिए देना है तो फिर यहाँ पे कर दूंगा, क्योंकि वी आई भी इसी तरह से काम कर रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट विथ वी आई, इट्स विद द लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एज वेल। तो जस्ट क्योंकि वी आई जो है ये पुराना कमांड है, बट इट्स अ विम कमांड, इसका एलियस बना हुआ है। तो बिकॉज पहले वी आई हुआ करता था जिसको इम्प्रूव कर दिया है, और अभी लॉट ऑफ पीपल हैव देयर वो ओल्ड हैबिट, जो ओल्ड हैबिट है जिनका मतलब पुराने से यूज करते आ रहे हैं। तो अभी भी फिलहाल मेरे मसल मेमोरी में चले गया हुई है, बट इट्स एक्चुअली विम ही हो रहा, तो इसलिए जो तुम्हारा कंसोल रहेगा वो विम आरसी रहेगा। और मैं पर्पसली भी करता हूँ, बिकॉज एक कमांड मुझे कम टाइप करना पड़ रहा, मुझे एम टाइप नहीं करना पड़ रहा, तो मैं जस्ट टाइपिंग ऑफ वी आई, तो एक कम टाइप करना पड़ रहा है। तो लेकिन मैं वी आई करूँ या विम करूँ अभी सेम ही हो रहा है, बिकॉज विम का एलियस बना दिया गया है वी आई, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो जब मैं वी आई में आता हूँ तो बेसिकली इट्स अ विम, तो मुझे ये ऐसा करना है, कमांड लाइन पर ऐसा कर सकता हूँ। फाइल के अंदर में अगर मुझे करना था तो मैंने ऐसा बताया था, फाइल के अंदर में भी बता दिया, तो मैंने कोलन किया था, सेट एनयू कर दिया था, हो गया था। यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, और ऑप्शन को ऐड करते हैं, ओ प्लस सेट एनयू एंड देन नंबर सॉरी वो नहीं रहता इसमें, तो देखो नंबर सीधा आ गया। अभी मैंने फिर से सेट नहीं किया उसको फाइल में आने के बाद, मैंने बाहर से ही पास कर दिया। जमीर अहमद यू हैव क्वेश्चन, आई सी योर हैंड। नो सर, अ लॉन्ग बैक, लॉन्ग बैक है, लोअर कर दो, लो कर दो ना उसको तो फिर, बिकॉज मैं 5-5 मिनट में देख रहा हूँ, एंड व्हेन आई सी द हैंड, ओके ओके, लोअर कर दो, थैंक्स। ओके, तो ये दैट्स द वे कमांड लाइन से हुआ। अब मैं इसका एलियस बना सकता हूँ, तो आई कैन सिंपली से एलियस वी आई इक्वल टू, जो कि ऑलरेडी एक विम का एलियस बना हुआ है इसके ऊपर में, तो मैं उसको ये लिख देता हूँ, क्योंकि इट इज ऑलरेडी अ डबल कोट। अब मैं ये फाइल ओपन करूँगा, देखो फिर से नंबर से आ गया, राइट। अब मैं तो सिर्फ क्या दे रहा हूँ उसको, वी आई से ही रन कर रहा हूँ, मैं कौन सी भी फाइल भी ओपन कर रहा हूँ, अनदर फाइल जो है ओपन करता हूँ, सब में नंबर सेट होगा, ठीक है। तो दैट्स द वे टू क्रिएट एलियस, व्हिच इज एज सिंपल एज, तुम्हारा जो भी कमांड है वो कमांड लिखो, एलियस लिख दो और वो आ जाएगा, तुम एलियस कमांड रन कर दो, सारे एलियस जो है वो आ जाएंगे। तो हर चीज़ के जो ये, जब तुम ई ग्रेप यूज करते हो तो बेसिकली दिस इज हैपनिंग, ग्रेप यूज कर रहे हो तो ये हो रहा है, ऐसा एल एस यूज कर रहे हो तो ये हो रहा है, और वी आई अभी मैंने बताया। तो अब मेरा केस में वी आई क्या है, ये परसिस्ट नहीं रहेगा, बिकॉज वी आई जो मैंने सेट किया हूँ, दैट इज ये एलियस जो मैंने सेट किया है वो एफेमेरल, वो सिर्फ मेरे करंट सेशन में ही अवेलेबल है। द मोमेंट आई लॉग्ड आउट इट विल गो अवे, अगर मुझे परसिस्ट करना है ऑन एवरी टाइम आई लॉग्ड इन, आई विल हैव टू कीप इट हियर। इफ आई वॉन्ट टू मेक, अगर मुझे अदर यूजर्स को भी देना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा भाई, इस सारे फाइल में बना दूंगा, बाकी यूजर भी यूज कर सकते हैं। तो दैट्स द वे वी क्रिएट एलियस, वेरिएबल्स का देख लिया, एलियस देख लिया, फंक्शंस भी देख लेंगे, बट अभी स्क्रिप्टिंग के बाद। एंड स्क्रिप्ट इज नथिंग बट अ स्क्रिप्ट जिसमें तुम्हारी एक और फाइल रन कर सकते हो, यहीं से यू वांट टू रन अ फाइल लाइक मे बी, तुमको जैसे जब भी यूजर लॉग इन करे तो तुम उसको एक बैनर प्रेजेंट करो कि लॉग इन मैसेज कि यू आर लॉग इन टू दिस सर्वर, ऐसा कुछ। तो तुम वो बैच, तुम डायरेक्ट उसको बैच आर सी में डाल सकते हो, या फिर एक स्क्रिप्ट कहीं पर रख सकते हो जिसको बैच आर सी से एग्जीक्यूट कर सकते हो, या बैच प्रोफाइल से एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं एक बैनर करके बैनर बना दूंगा, बैनर डॉट ऐसे, और उसमें ऐसा लॉग इन मैसेज लिख दूंगा, ऐसा आता है ना ऐसा लॉग इन करके आ जाएगा। बहुत सारे टूल्स भी आते हैं जिससे ऐसा कैरेक्टर से बने हुए रहते हैं नाम, कि तुम्हारी कंपनी का नाम आ जाएगा या ओएस का नाम आएगा, जो भी तुमको करना, तो तुम उसको यहाँ पे रख दो, जब भी यूजर लॉग इन करेगा तो उसको रन कर देगा और तुमको पूरा का पूरा दिखा देगा वहाँ पर। तो स्क्रिप्ट समझने के बाद में हम लोग बैनर बनाएंगे, और मैं बैनर बनाने में हमको और भी बहुत सारी चीजें हम लोग एक्सपोज विल एक्सपोज आवरसेल्फ टू डिफरेंट थिंग्स एज वेल, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो दैट्स हाउ ये सारी चीजें हैं बैश में, बैश प्रोफाइल में, बैश आरसी में,
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो कहाँ से क्या करना है. ठीक. सेकेंड जो इसमें हमको देखना है अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स थे, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में भी जस्ट लाइक एलियस, अगर तुमको सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल देखना है तो जस्ट इन्वायरमेंट करो, तुमको जितने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है तुम्हें सारे दिख जाएंगे. और ऑल दिस इन्वायरमेंट वेरिएबल आर सेव इधर फ्रॉम द बैश आर सी डॉट बैश आर सी. ठीक है, तो ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ से सेट हुए. और मैं हम भी जो सेट करते हैं वो भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट टू सेट आर इन्वायरमेंट वेरिएबल. तो अगर हमको इन्वायरमेंट में ये करना है, अगेन इफ वी डू द एक्सपोर्ट इट विल ओनली बी एफएमएल. अगर तुमको उसको परसिस्ट करना है तो तुम यहाँ पे ऐड करो, बाकी यूजर को भी देना है तो यहाँ ऐड करो. इट्स अ सेम कंसेप्ट. तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को जस्ट तुमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना. और ये भी हमने एक वन ऑफ द एक्सरसाइज दिया था कि तुम एक्सपोर्ट करो, जस्ट द कमांड यू हैव टू यूज एंड बेसिकली यू कैन जस्ट कॉल योर लेकिन जैसे मैं फिर से लॉग आउट कर दूंगा ये चले जाएगा. तो मुझे परसिस्ट करना है तो इसको एक्सपोर्ट कमांड से कहाँ डालना पड़ेगा, मुझे बैश आरसी में डालना पड़ेगा. तो बेस्ड ऑन मुझे किस यूजर के लिए डालना है, कैसे डालना है, वो सारी चीजें वहां पर है. एंड आई कैन डू दैट ऑन दैट बेसिस. तो ये सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है, करंट यहाँ पर है. सेट में भी सारे तुमको दिख जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे सेट में सारे तुमको हर चीज दिख रहा है, जो फंक्शंस रन होते हैं, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यूज होते हैं. तो एक बार स्क्रिप्ट समझने के बाद में थोड़ा और उसको दिखा दूंगा मैं, और मतलब एक बार विजिट करेंगे. अभी फिलहाल एनवायरनमेंट करो सारे, क्योंकि इसमें सिर्फ वेरिएबल सेट है. तो जितने भी यूजर PWD भी वेरिएबल है. अब ये PWD क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल है जो कि हर यूजर को मिल जाता है. तो मैं डायरेक्ट इको करके PWD कमांड चला सकता हूँ. तो इनका वैल्यू भी दिख ही रहा है मुझे बाय द वे यहाँ पर, तो कुछ ऐसा ये नहीं है. होम होम भी वेरिएबल है, ये भी है, ये भी है, ऐसे सारे दिए हुए हैं राइट, जिनमें से दो तीन मैंने दिखा दिया हुआ. तो दीज आर द इन्वायरमेंट वेरिएबल, और इस तरह से सेट करना रहता है उसको. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे हम लोग पासवर्ड इंजेक्शन देखेंगे. बिकॉज अगर तुम इन्वायरमेंट वेरिएबल में तुमको पासवर्ड सब में जो जो फोकस रहेगा कि स्क्रिप्ट में हम लोग किसी चीज को लॉग इन करेंगे, आगे विल सी दैट. सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एक बार चालू हो तो हम लोग डेटाबेस वगैरह का भी देखेंगे. तो अगर तुम डेटाबेस को कनेक्ट करना है या किसी एप्लीकेशन को जस्ट कनेक्ट करना है, तो हर जगह पे एक चीज जो मैंने बताया था नेचुरली तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, और या फिर अपने दिमाग में घुसा के रखो कि किसी चीज को भी लॉगिन करने के लिए मुझे ऑथेंटिकेशन करना है. तो ऑथेंटिकेट करना है, जस्ट इस सर्वर को लॉगिन करने के लिए भी मैंने ऑथेंटिकेट किया SSH प्राइवेट की यूज करके. अब SSH प्राइवेट की आई कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सपोज इट टू एनीवन, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो गेम ओवर. तो आई कैन नॉट, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि SSH की किसी के हाथ में लगे प्राइवेट की. आई वुड मुझे उसको संभाल के रखना पड़ेगा. सिमिलरली पासवर्ड्स भी आते हैं आगे. क्लाउड में भी, क्लाउड का भी मैंने लॉग इन किया, AWS पे GCP पे मैंने लॉग इन करके बताया था. तो मैंने मेरा जीमेल का या जो भी मेरा यूजर नेम था, पासवर्ड था, वो मैंने डाला, तब जाके वो ऑथेंटिकेट हुआ और मैं लॉग इन कर पाया. तो ये सारी चीजें हर जगह पे रहेगी. और अगर तुम यहाँ से किसी एप्लीकेशन को लॉग इन कर रहे हो, चाहे वो डेटाबेस हो या वेब सर्वर हो या कोई सा भी सर्वर हो, तुमको ऑथेंटिकेशन लगेगा ही, बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं होगा. तो कहीं कहीं पे क्या होगा, ऑथेंटिकेशन के अलग अलग तरीके रहते हैं जिससे यू कैन अचीव द ऑथेंटिकेशन. तो तुमको पता नहीं रहेगा तो डजंट मीन कि वहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तरीके से होगा. ऑथेंटिकेशन करने के भी डिफरेंट तरीके रहते हैं. तो स्लोली स्लोली अभी जब जैसे जैसे वील एक्सपोज आर सेल्फ टू डिफरेंट एप्लीकेशन, हम लोग देखेंगे ऑथेंटिकेशन कहाँ रहता है. लेकिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारे जब भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई एप्लीकेशन होगी ना, तो नेचुरली तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि इसका ऑथेंटिकेशन कैसे हुआ है, ऑथेंटिकेशन होने के बाद ऑथराइजेशन कैसा होगा. किसी को तुमको प्रिविलेजेस देने हैं तो भी तुम्हारे दिमाग में ये दो क्वेश्चन आ जाने चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीजें दिमाग में मतलब फिट करके रखना है कि एक फायरवॉल रहेगा, ऑथेंटिकेशन रहेगा, ऑथराइजेशन रहेगा, फिर उसके बाद में आगे की भी चीजें देखेंगे हम लोग. वो सारी चीजें वन बाय वन आने ही वाले हैं, उसके बगैर मतलब कुछ होगा ही नहीं. इंटरप्राइज एप्लीकेशन, प्रोडक्शन एप्लीकेशन cannot be just sitting without firewall, without authentication, कि आओ कोई भी आओ लॉगिन करके हमारा डेटा लेके चले आओ, ऐसा कहीं पे नहीं होगा. ओके.
तो अब हम लोग विल टॉक, हम लोग देख लेते हैं पैकेज इंस्टॉलेशन का, जिसको अगेन हमने एक्सरसाइज में दिया था। और इस पैकेज में भी जो है तीन वे से पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, बेसिकली दो वे से ही के बोल सकते हो, बिकॉज एक तो जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है लेकिन नॉट ऑलवेज यूजिंग, जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इज इंस्टॉलिंग फ्रॉम द सोर्स कोड। सोर्स कोड में तीन 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 में तीन जो है मेथड फॉलो होता है, जिसमें तुमको सोर्स कोड लाना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा, तुम्हारा जो सोर्स कोड रहेगा वो किसी इसमें ये रहेगा टारबॉल में कहीं पे ये रहेगा कि टारबॉल रहेगा। तो बेसिकली यू हैव अ सोर्स कोड, और सोर्स कोड जो है वो टारबॉल में रहेगा, मतलब पैक जिप करके रहेगा, उसको तुमको एक्सट्रैक्ट करना है हमको एंड देन कंपाइल करना एंड इंस्टॉल करना। तो सोर्स कोड से ये गिटहब से हम लोग कोड उठा सकते हैं, उसको हम लोग गिटहब में आता है एज अ जिप डाउनलोड करो या एज अ क्लोन कर लो अगर तुम्हारे पास में गिट है। तो अभी यहाँ पे गिट का आ जाएगा, तो गिट हम लोग को आगे देखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। इवन दो इट इज टर्म्ड एज डेवलपर टूल, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ डेवऑप्स एज वेल, क्योंकि हमको भी कोड लिखना है, बट वी विल नॉट बी राइटिंग अ कोड लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम लोग को कोड लिखना है टेम्पलेटिंग एंड स्क्रिप्टिंग वाले, ठीक है। तो एनी वेयर यू आर तुम मेंटेन कर रहे हो बहुत सारे फाइल्स, तो गिट करना ही है। और हम लोग देखेंगे गिट का इम्पोर्टेंस, गिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिट हैज बिकम वेरी सिग्निफिकेंट। प्रीवियसली ऐसा था कि हाँ ठीक है हम लोग सिस एडमिन से है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेवलपर अपना देख लेंगे, लेकिन नाउ द थिंग हैज चेंज, क्योंकि हमको भी करना। और गिट बहुत ज्यादा ईजी है, और इतना मतलब वंस यू अंडरस्टैंड गिट, तो गिट को बिफोर आई इंट्रोड्यूस गिट राइट, मैं इसलिए वी आर स्टार्टिंग द स्क्रिप्टिंग और उसके बाद में हम गिट पे आएंगे, बिकॉज हम लोग पहले प्रॉब्लम समझेंगे, उसके बाद में चैलेंज, उसके बाद में सॉल्यूशन देखेंगे, तो देन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम गिट जब स्क्रिप्टिंग लिखेंगे और प्रैक्टिस रहेगी तो विल रन इनटू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और तुमको तब उसका तो तुम खुद नेचुरली भी सोच सकते हो। और कुछ ऐसा रहना चाहिए कि हमको गिट क्या, गिट को बोला जाता है कि यू कैन ट्रैवल बैक इन टाइम, तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। तो कंसेप्ट रियल लाइफ में मूवीज में कितना मतलब ये रहता है, मतलब हमको देखने के लिए वी आर सो एक्साइटेड कि टाइम में ट्रैवल करने वाले, तो गिट तुमको वही कराता है, तुमको टाइम में ट्रैवल करने का अलाउ करता है। अगर तुमने कोई मिस्टेक किया है तो तुमको पीछे जाने के लिए तुमको अलाउ करता है, तुम पीछे जा सकते हो टाइम में, तो वो चीज करने के लिए अलाउ करता है। तो इसलिए यू कैन, तुम केयरलेसली मतलब करना तो नहीं चाहिए, बट अगर तुम मिस्टेक करते हो केयरलेसली भी तो तुम पीछे जाके फिर से करेक्ट कर सकते हो उसको। तो दैट समथिंग वी विल डू दैट। तो अगर तुमको डायरेक्ट सोर्स कोड इंस्टॉल करना है तो यू नीड अ गिट। अगर तुम्हारे पास गिट नहीं है तो तुम टारबॉल डाउनलोड कर सकते हो, राइट, डब्ल्यू गिट कमांड या कर्ल कमांड यूज करके, और उसके बाद वो डाउनलोड होने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके कंपाइल करके इंस्टॉल कर देना, खत्म। और ये एक ऐसा तरीका है कि एवरीवन शुड नो, बट तुम ज्यादा करोगे नहीं इसको ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज इट्स नॉट अ रिकमेंडेड वे टू डू दैट। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, ये हमने सोर्स कोड यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, जो जो भी उसकी रिपोजिटरी जहाँ पे रखा हुआ था, तो इसका अगर ये तुम्हारा इन हाउस है तो अलग बात है। अगर तुम्हारा इन हाउस जो कंपनी क्या करती है, खुद ही अपने बनाती है, तो जिसको इन हाउस बोला जाता है और होम ग्रोन बोला जाता है, अलग अलग नाम बोला जाता है। तो ये कुछ जैसे ls कमांड है, वो मेरा इन हाउस कमांड नहीं है, वो कॉमन कमांड है। डॉकर कमांड जो आएगा, तो डॉकर इज नॉट माई इन हाउस एप्लीकेशन। तो इन हाउस एप्लीकेशन, होम ग्रोन एप्लीकेशन, ये सारे जो है हर कंपनी में क्या रहेंगे, डेवलपर को हायर करके वो लोग खुद की ही एप्लीकेशन बनवाते हैं। तो उनकी जो एप्लीकेशन बनी रहेगी, क्योंकि उनकी कस्टम जावा में उनकी खुद की एप्लीकेशन रहेगी, पाइथन में रहेगी, नोड में रहेगी, गो में रहेगी, किसी भी चीज में रह सकती है, तो उनकी एप्लीकेशन इन हाउस रहेगी। और उस केस में यू ऑलवेज गोइंग टू डू दैट। मतलब ये जो चीज मैंने लिखा हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग, बट इट कैन बी लाइक दिस, सोर्स कंपाइल एंड पैकेज डिप्लॉय, ऐसा होता है। बट अभी के लिए हमारे केस में सोर्स कंपाइल इंस्टॉल ऐसा रहेगा। अगर तुम सोर्स करना है तो तुमको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा सोर्स कोड, एंड द बेस्ट वे टू डाउनलोड द सोर्स कोड इज विद द गिट। तुम कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन कॉपी इज नॉट मतलब तुम SCP कर सकते हो, अगर तुमको कॉपी करना है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो वी कैन डू दैट एज वेल, लेकिन वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं रहता। अगर अगर तुम्हारा कोड है यहाँ पे, सोर्स कोड है,
तो उसको हमेशा गिट से ही करना है, तो वी नीड गिट इन ऑर्डर टू दैट सोर्स को डाउनलोड करने के लिए। नहीं है तो हम लोग इसको पूरा यहाँ पे पैकेज करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, इधर विद द डुप्लीकेट और कर्ल, ये दो यूटिलिटीज है हमारे पास में अलग अलग। डेबियन पे डब्ल्यूगेट बाय डिफॉल्ट रहता है और कर्ल रेड हैट पे बाय डिफॉल्ट रहेगा। कर्ल डब्ल्यूगेट से अगर तुमको रेड हैट सिस्टम्स पे करने हैं ये वाले, तो इस पे तुमको डब्ल्यूगेट नहीं मिलेगा बाय डिफॉल्ट, इस पे तुमको बाय डिफॉल्ट कर्ल मिल जाएगा। तो हम लोग ये टारबॉल वगैरह जो है डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं डब्ल्यूगेट से, ठीक है। तो वी डोंट नीड गेट इन ऑर्डर टू दैट, इट्स एज जस्ट एज डाउनलोडिंग डब्ल्यूगेट दो यूआरएल पे डाउनलोड हो जाएगा, कल दो यूआरएल दो डाउनलोड कर देगा, मतलब कल में एक दो ऑप्शन पास करने पड़ते हैं एंड देन वी कैन डू द एक्सट्रैक्ट कंपाइल इंस्टॉल। तो ये प्रोसेस रहता है सोर्स कोड से इंस्टॉल करने के लिए, और प्रोसेस विच एवरीवन शुड नो बिकॉज बहुत सारे ओपन सोर्स एप्लीकेशन रहेगी दैट मे नॉट बी वो एज अ पैकेज नहीं आएगा। तो दूसरा क्या है, एक तो सोर्स कोड से कर सकते हो और दूसरा पैकेज मैनेजर से कर सकते हो, ठीक। अब पैकेज मैनेजर में भी लो लेवल यूटिलिटीज है और हाई लेवल यूटिलिटीज है, ओके। सो पैकेज मैनेजर में लो लेवल यूटिलिटीज है, हाई लेवल है। अब इसमें पैकेज मैनेजर में दोनों जो दो हमारे सिस्टम्स हैं, तो पहले दोनों का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दोनों के पैकेज मैनेजर है अलग अलग। रेड हैट के सिस्टम्स पे जो पैकेज मैनेजर है आरपीएम है, रेड हैट पैकेज मैनेजर, और जो हमारा ये है डेबियन पैकेज मैनेजर डीपीके, ठीक है। पैकेज मैनेजर से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं और इनके मतलब देज आर रैपर स्क्रिप्ट है इन ऑन टॉप ऑफ दीज एज वेल। तो ये वाले जो हमारे सारे हैं, दिस इज फॉर रेल एंड दिस इज फॉर डेबियन, राइट। तो डेबियन बेस्ड जो भी रहेंगे, अभी मेरे पास उबंटू है दैट इज कमिंग फ्रॉम द डेबियन फैमिली, तो मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा, डीपीकेजी इफ आई वांट टू यूज द पैकेज मैनेजर। और सोर्स कोड में ऐसा कुछ नहीं था, सोर्स कोड में आई कुड हैव यूज एनीथिंग, इट्स जस्ट डाउनलोड करने के लिए मुझे क्या चाहिए था वो डिसीजन था। बट मैं डब्ल्यूगेट भी डाउनलोड कर सकता था रेड हैट पे और डेबियन भी कर्ल पे, डेबियन वाले सिस्टम पे कर्ल डाउनलोड कर सकता था। तो कम्युनिटी है एंड बिकॉज ऑफ द पॉसिक्स एवरीवन सपोर्ट्स एवरीवन, राइट। सब लोग हर हर किसी को सपोर्ट करते हैं। आरपीएम ज्यादातर यूज नहीं होगा बिकॉज इसका आरपीएम का यूटिलिटी है वो यूज होता है, और डीपीकेजी में भी सेम है, जो उसकी यूटिलिटी है वो यूज होगी। तो मैं यहाँ पे तीन एक्चुअली है, दे आर ऑल थ्री ऑफ देम आर सेम बट लिख देता हूँ बिकॉज यू माइट सी इन सम स्क्रिप्ट यू माइट सी समवेयर पीपल आर यूजिंग इट, सम एडमिन्स आर यूजिंग इट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और जब तुम लगोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो यूज करेंगे, तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सारे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो यूटिलिटी है वो जैम यूज होती है अभी के लिए, अभी तो बंद हो गई, मतलब रेड हैट 7 तक, करंटली जो चल रहा है रेड हैट 9 चल रहा है, ठीक है। मार्केट में रेड हैट 7 तक यम यूज होता था, रेड हैट 8 के बाद में उन्होंने दूसरा पुश करना शुरू किया डीएनएस। तो डीएनएफ और यम क्या करते हैं, वो आरपीएम को ही कम आरपीएम कमांड ही यूज करते हैं इन द बैकएंड। और डीपीकेजी में यहाँ पे बहुत ज्यादा तुमको दिखेगा वेरिएंट, एप्ट यूज करेंगे कुछ लोग, कुछ एप्ट गेट यूज करेंगे और कुछ एप्ट यूज करेंगे। ये जो दोनों हैं दीज आर ओल्ड वंस, नॉट यूज्ड और आई वोंट रिकमेंड एज वेल, बिकॉज मेरा जो अप्रोच है सिंपल है, लाइक विम और वी आई में वाई आई यूज वी आई बिकॉज देर इज वन लेस लेटर आई हैव टू टाइप। एप्ट एंड ऐप गेट में वाई आई मैं ऐप यूज करता हूँ बिकॉज यहाँ पे चार कम लेटर मुझे टाइप करने पड़ते हैं, तो इंस्टेड ऑफ लाइक लोग क्या करते हैं, जो पुराने लोग रहेंगे ओल्ड हैबिट उनकी रहती है, उनके मसल मेमोरीज में रहती है, तो वी आई पीपल आर यूजिंग बिकॉज इज देयर इन द मसल मेमोरी, एप्ट गेट आर ऑल्सो पीपल आर यूजिंग बिकॉज इज देयर इन द मसल मेमोरी। तो तुम इस तरह से ट्रेन करो जो एफिशियंट होगा ना वो यूज करना है, मतलब यू हैव टू डू लिटिल स्मार्ट वर्क एज वेल, नहीं बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं करना है। बट यहाँ पे एप्ट यूज करने का बेनिफिट ये है कि यू हैव टू राइट अ फ्यू कमांड्स, चार कमांड, चार 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 कैरेक्टर कम यूज लिखने पड़ रहे हैं, और वी आई में भी मेरा लॉजिक वही है, तो आई नॉर्मली यूज एप्ट यम
ये तो डीएनएफ अभी स्टार्ट हो गया है, तो डीएनएफ इज द ये दोनों जो ओल्ड ओल्ड है यहाँ पे लिख देता हूँ, और ऐप न्यू है, तो यहाँ पे ऐप यूज करो बिकॉज ऐप हैज बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, ऐप को आके 5 6 7 8 साल हो गया। डीएनएफ अभी रिसेंटली पुश हुआ है, तो यम यहाँ पे यूज कर सकते हैं यम से, और यम क्या यम यहाँ पे ओल्ड है और डीएनएफ न्यू है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इस पे यम को ना बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दिया गया है, तो इट्स स्टिल देयर एंड इसलिए मैं इसको और इनको लिख देता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट देयर एंड यू कैन स्टिल यूज इट बिकॉज राइट नाउ आई एम ऑल्सो यूजिंग यम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी वर्किंग ऑन रेड हैट 7 बिकॉज रेड हैट 9 इज वॉट गोइंग ऑन, रेड हैट 8 हैज बीन स्टेबलाइज एंड लॉट ऑफ एप्लीकेशंस हैव बीन माइग्रेटेड, क्योंकि कंपनी के लिए कंपनी तो आज चालू नहीं हुई है, कंपनी कब से चल रही है, तो वो रेड हैट रेल 5 पर थी, रेल 6 पर थी, तो उनको अपने एप्लीकेशन माइग्रेट करने पड़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, और वो माइग्रेटिंग माइग्रेट करना अपग्रेड करना इट्स अ वेरी पेनफुल एक्टिविटी, और द थिंग दैट एवरीबडी इग्नोर्स, मतलब इग्नोर्स और दे ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ चल रहा है अच्छा खासा, अब तुम टेक्निकल कंपनी हो नहीं, तुम्हारा जो है मतलब रिटेल का बिजनेस है चल रहा है सब कुछ, तुम रेड हैट 5 पर हो, अब तुम्हारा ऐसा हो रहा है कि नहीं तुमको अब रेड हैट 6 पे जाना, तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन बंद करनी पड़ेगी, रेड हैट 6 पे जो भी चेंजेस आए सारे एवेलुएट करने पड़ेंगे, फिर माइग्रेट करो एज अ कंपनी। मैं बोलूंगा अरे ये क्या मुसीबत है, मुझे नहीं करना है, मतलब व्हाई शुड आई डू दैट, मेरा तो सब कुछ चल रहा है, मेरा बिजनेस हो रहा है, मैं क्यों उसको अपग्रेड करूँ करके, तो ज्यादातर कंपनी और स्टेक होल्डर दे अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज अपग्रेड करने के बाद माइग्रेट करने के बाद देयर इज नो लॉट ऑफ थिंग्स विल गो रॉन्ग, वो सेम नहीं रहती है, तो वो करने से पहले मतलब बहुत सारी जो है ना पूरा एक 3 महीने का पूरा प्रोसेस चलते रहता है, पीओसी होते रहती है लोअर इन्वायरमेंट पे, इसलिए लोअर इन्वायरमेंट बनाए जाते हैं, डेव इन्वायरमेंट बनता है जहाँ पे सारी फंक्शनलिटी चेक करो, प्रॉड में एक्चुअली मेरे सारे कस्टमर कनेक्ट करते हैं बट उसका सिमिलर रेप्लिका बना हुआ रहता है, क्योंकि नई फंक्शनैलिटी लाया तो मुझे उसको हर एंगल से टेस्ट भी करना है कि यहाँ से भी अगर मैं उसको ये कमांड दूँ तो चलेगा कि नहीं, वो मतलब अगर यूजर ऐसे रिक्वेस्ट देता है तो आई प्रोसेस हो रही है कि नहीं बराबर, तो सारी चीजें फंक्शनैलिटी करनी, तो इसलिए क्या रहते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट्स बने हुए रहते हैं, डेव इन्वायरमेंट, क्यूए इन्वायरमेंट, प्रॉड इन्वायरमेंट, प्री प्रॉड स्टेज, अलग अलग नाम रहेंगे जो हम लोग देख लेंगे आगे डेवऑप्स केस में। तो ये सारी यूटिलिटीज हैं जो इन रिटर्न आरपीएम ही यूज करती है एंड दीज आर पैकेज मैनेजर। अब तुमको जब ये यूज करोगे तुम इसमें क्या होता है इफ यू यूज आरपीएम डायरेक्टली देर इज नो यहाँ पे नो डेव्स, ये डायरेक्ट अगर तुम आरपीएम यूज करोगे ना तो डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करेगा और जस्ट पैकेज इंस्टॉल करेगा, अगर तुम्हारे पास में डिपेंडेंसी नहीं है वो फेल कर देगा, ये वाले जो सारे टूल्स है ये डिपेंडेंसी विथ डेव्स है, ये अगर तुमको कुछ और ये डेव जो है छोटी छोटी लाइब्रेरी रहेगी, अभी इंजन एक्स हमने लास्ट टाइम पे इंस्टॉल किया था ना, मैं इंजन एक्स में ही बता देता हूँ कितने सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं रन करता हूँ एप्ट इंस्टॉल इंजन एक्स, तो देखो फॉलोइंग एडिशनल पैकेजेस विल बी इंस्टॉल, तो ये सारे इंजन एक्स इंस्टॉल करने की डिपेंडेंसीज थी, अगर मैं इसको इससे इंस्टॉल करता था आरपीएम से या डीपीकेजी से, तो डीपीकेजी से इंस्टॉल करने से इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए मुझे इंजन एक्स का डॉट डेव फाइल लाना पड़ेगा, तो इंजन एक्स डॉट डेव फाइल लाना पड़ेगा, और अगर मुझे आरपीएम से करना है तो इंजन एक्स डॉट आरपीएम फाइल लानी पड़ेगी और फिर मैं इससे इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। और सिर्फ ये उतना ही करता था, ये जो इतने सारे डिपेंडेंसी थे ना वो सब नहीं करता था, मुझे इंजन एक्स कोर डॉट डेव लेकर आना पड़ता था फिर से, और फनी थिंग ये रहेगी कि मालूम पड़ा कि ये करने के लिए भी तुमको और 3 4 डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, तो उसमें तुम लूप में फंस जाओगे और दैट माई मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो ये क्या कर देते हैं ये सारे डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल कर देते हैं तुम्हारे, ये सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड टू यूज, बट समटाइम्स तुमको ऑप्शन नहीं रहेगा बिकॉज ये जो वे से काम करते हैं उनका एक कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट विल ऑल्सो सी, तो वो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा, तो यू मे हैव टू यूज दिस और यू हैव टू रिजॉर्ट बैक टू दिस जो ये रहता है, तो अभी ये वाला जो है ये एक इंस्टॉल करके मैं बता देता हूँ, मैंने एक एक सिंपल सी एप्लीकेशन जिसके अंदर में एनपीएम इंस्टॉल करते हैं हम लोग, और एनपीएम में जो ये है तो इनकी एक वेबसाइट है यहाँ पर एनपीएम वालों की, npm.org, और npm एक ऐसा टूल है जो नेटवर्क स्निफिंग करने के लिए मतलब
हैकर्स डिलाइट वाला टूल है पूरा, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें इनमें पे, सॉरी सॉरी इनमें वो नोड का बोल बोल के वही आ गया नोड में। ठीक है, तो ये सारे जो पैकेज मैनेजर थे दीज आर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी पैकेज मैनेजर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये जो कॉमन अभी चलते हैं। तो वी हैव द पाइथन में पैकेज मैनेजर है पाइथन का खुद का, पाइथन है एंड हमारे पास और क्या है, नोड नोड है और रूबी है कौन सा, और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो पाइथन का जो पैकेज मैनेजर है दैट इज पिप, और नोड का npm, रूबी का जेम। ये कुछ कॉमन है जो तुमको हम लोग यूज करेंगे बिकॉज दीज पैकेज मैनेजर इज एक्चुअली गोइंग टू इंस्टॉल डिपेंडेंसीज एंड एवरीथिंग फॉर यू। एंड अनदर बेनिफिट इज वेदर यू रन दिस ऑन विंडोज और यू रन दिस ऑन लिनक्स, ये पैकेज मैनेजर रन कर देगा। तो अगर मुझे कमांड ऐसा यूज करना है जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इफ आई एम सेइंग pip install यहाँ पे वेब सर्वर कर देता हूँ पाइथन में, मान लो एक सर्वर का ना एक एप्लीकेशन, तो ये अगर मैं लिनक्स पे यूज कर रहा हूँ द सेम कमांड आई कैन यूज दिस ऑन द विंडोज एज वेल। विंडोज का जो है वो जो कम्युनिटी वाला है जो हमने देखा था वो चॉकलेटी और स्कूप है, बट दीज आर लाइक कम्युनिटी डेवलप्ड, कम्युनिटी ने बना के दिया है लोगों को, बट ये ठीक है। तो pip इफ आई डू pip install वेब सर्वर तो आई कैन डू दिस ऑन विंडोज, आई कैन डू दिस ऑन लिनक्स, दैट्स अ बेनिफिट। व्हाट आई नीड ऑन द मतलब ओएस खत्म हो गई डिपेंडेंसी because I can use this pip install here and I can use the pip install Linux, Windows, Mac, any kind of operating system. और ये भी खत्म हो गया जो distribution का जो ये था, चाहे वो Red Hat हो, चाहे वो Debian हो, चाहे वो Fedora हो, चाहे वो SUSE हो, कुछ भी हो, तो Linux different operating system because all I want pip here. तो pip लेकिन क्या करेगा, तुम्हारा सिर्फ Python based application ही कर देगा, अगर तुम्हारी Node application है तो उसका नहीं करेगा, लेकिन हियर दीज गाइज कैन डू दैट, नोड एप्लीकेशन का भी कर देंगे वो लोग, लेकिन तुमको पता रहना चाहिए कौन सा इंस्टॉल करना है। तो बेस्ड ऑन कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही है ना वो पैकेज मैनेजर भी यूज होता है, एंड दिस विल बी वेरी कॉमन फॉर अस बेस्ड जब एज अ डेवॉप्स, क्योंकि बता रहा हूँ ना मैं कि एक प्रोग्राम रहेगा किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा और उसका जो सारा डिपेंडेंसी रहेगा डेवलपर बता देगा कि मुझे ये सारी डिपेंडेंसी चाहिए बिफोर यू इवन थिंक ऑफ कंपाइलिंग। तुमको कंपाइल करने से पहले जो मैंने बताया था डेवलप कंपाइल, यहाँ पे बीच में एक आएगा जहाँ पे सारे डिपेंडेंसी मुझे इंस्टॉल करनी, तो अगर वो पाइथन रहेगा तो आई शुड यूज पिप, अगर वो नोड है तो मुझे npm यूज करना है, रूबी है तो जेम यूज करना है, और अगर वो गो है तो गो का ऐसा कोई अलग टूल नहीं है, गो खुद ही करता है, तो गो में भी गो डेप्स ऐसा कुछ कमांड है। तो अलग अलग के जो ये रहेंगे ना तो हमको करने पड़ेंगे डिपेंडेंसी बिफोर, क्योंकि अभी ये तो क्या पैकेज मैनेजर था जो पूरी डिपेंडेंसी लेकर आ रहा है, लेकिन हमारे केस में हमको लेकर आना पड़ेगा, डेवलपर हमको बताएगा। तो इंजिन एक्स में जिस तरह से यहाँ पे थे ये सारे डिपेंडेंसीज हमको लाने पड़े थे, तो पिप में भी पाइथन में भी कर सकता था मैं पिप के थ्रू। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसी एप्लीकेशन लिख रहा हूँ सिमिलर टू इंजिन एक्स, ओके इसको नो कर देता हूँ, एंड इधर पे आते हैं इसका इंस्टॉलेशन देख लें। ठीक है, npm पे मैं पहुंच गया हूँ, इसमें डाउनलोड्स पर जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे वो उसका जो डाउनलोड वाला रहेगा हमको सेक्शन में मिल जाएगा सोर्स कोड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पे सोर्स कोड है और यहाँ से हम लोग लेटेस्ट स्टेबल एनमैप रिलीज टारबॉल, तो ये इसका टारबॉल है यहाँ पे bzip में है और ये gzip है, तो हमने bzip भी देखा था gzip भी देखा था, bzip जो है थोड़ा सा ज्यादा इनहांस कंप्रेशन देता हूँ एंड gzip है, तो आई प्रेफर टू यूज gzip बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर gzip नॉर्मली आई यूज। लिंक कॉपी किया मैंने, ये लिंक आ गई यहाँ पे, ठीक है, अब मुझे इसको डाउनलोड करना है तो आई कैन यूज wget, डाउनलोड हो गए, लिंक कॉपी किया था ये यहाँ पर आ गए, LRTH करूंगा तो क्या करेगा वो, जो भी लेटेस्ट है उसको हमेशा रिवर्स में ऊपर नहीं रखा उसको, क्योंकि इस पे जो टाइम स्टैम्प है वो उसका जब वो किया गया था वो। अब इसको मुझे अनटार करना है, तो वी हैव सीन द कमांड राइट, तो ये क्योंकि गनजिप्ड है तो आई कैन यूज जेड
एक्सट्रैक्ट के लिए एक्स एंड जो फाइल है मुझे फाइल का नाम दे देना है, और अगर मुझे वर्बोस में देखना है इसको तो आई कैन गिव यू इसे कर देता हूँ ये ऊपर ही आना जैसे सीधी। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे सारे प्रोग्राम आ गए, जो कि मतलब इसको लाने के तरीका था ना, एक तरीके से मैं डब्ल्यू बिट करके लाया। अब ये कोई सा भी कमांड मैं इसको कैट कर सकता हूँ, क्योंकि ये वही रहेगा, ये सी का पूरा प्रोग्राम है। अगर तुमको सी आता है तो तुम समझ सकते हो, पूरा लिखा हुआ। तो यहाँ पे पूरा सोर्स कोड आ गया अपने पास, ठीक है, सी में लिखा हुआ, उसके जो जो उसको जो चीजें चाहिए थी ना सारे कुछ आ गई। तो अब ये जो चीजें हमको समझने की जरूरत नहीं है ज्यादातर इसमें। अब ये जिस इसमें एक फाइल रहती है कॉन्फिगर, कॉन्फिगर फाइल सोर्स कोड में जो ये एज अ पार्ट ऑफ जो अभी डिपेंडेंसीज जो उसको चाहिए सोर्स कोड में करने के लिए क्या होगा कि डाउनलोड करने के बाद में एक्सट्रैक्ट कर दिया, कंपाइल करने से पहले जो है हमको डिपेंडेंसी चाहिए यहाँ पर भी। तो इसको करने के लिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के बाद में डेप्स लाने पड़ेंगे उसके, और ये सी का तरीका है, ठीक है। तो इसको सिर्फ स्टेप वाइज समझना है तुमको कि तुमको देयर शुड बी अ कॉन्फिगर फाइल एक रहेगी, वो कॉन्फिगर फाइल यहाँ पे एक कर देगी। तो इसको हम लोग टाइप देख लेते हैं क्या है। तो ये ASCII टेक्स्ट है, राइट, इट्स एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट है। तो उसको कैच करता हूँ, तो ये देखो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है। तो ये अपनी शेल स्क्रिप्ट चल रही है यहाँ पर अभी, क्योंकि शेल स्क्रिप्ट अभी तक देखा नहीं है हमने, तो यहाँ पे अभी इसको डाइसेक्ट करना, अंडरस्टैंड करना मे नॉट बी दैट इजी फॉर अस, बट दिस इज अ शेल स्क्रिप्ट। ये करने से क्या होगा, सारी उसकी डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर देगा। अब शेल स्क्रिप्ट को रन करने का यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन तो किया था तरीका, इतने सारे तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं, और ज्यादातर टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी पीपल आर यूजिंग दिस। तो आई कैन यूज दिस एज वेल, एंड बिफोर यूजिंग दैट आई नीड टू मेक श्योर वो जो है उसको एग्जीक्यूटेबल दिया हुआ है। तो इफ आई यूज कॉन्फिगर अगेन, तो उसको एक्स दिया हुआ है, राइट, आई जस्ट हैव टू मेक श्योर इट्स एग्जीक्यूटेबल। तो मेरे करंट यूजर को एग्जीक्यूटेबल है ना, दैट इज इनफ, बट इन दिस केस इज एग्जीक्यूटेबल फॉर अदर यूजर्स एज वेल। तो मैं उसको डॉट, बिकॉज करंट डायरेक्टरी में हूँ, आई कैन से कॉन्फिगर, उसने फेल कर दिया है जीसीसी। हाँ, मेरे पास में अभी ना टूल सब नहीं है, सारे टूल जो ये कंपाइलर्स है सी के सारे, तो सारे सी के कंपाइलर्स लेकर आने पड़ेंगे मुझे, बिकॉज दीज टूल्स आर मिसिंग। तो उसका जो यहाँ पर रहेगा अभी उसको कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शन एंड ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड हियर, दो दिस डस ट्रिक, उसने यहाँ पे कमांड भी दिया किस तरह से करना है। अभी ये कमांड मैंने रन किया हूँ, लेकिन मेरे पास में ये नहीं है, कंपाइलर नहीं है मेरे पास में जीसी जो भी उसको कंपाइल, तो बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। डेबियन का जो है इसको मिल जाएगा, इसका एक ग्रुप इंस्टॉल करके भी रहता है। और अब इसमें मुझे आई एक्चुअली वांटेड टू अवॉइड सर्टेन थिंग्स, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप हो रही है। मुझे पैकेज मैनेजर का इंस्टॉलेशन तुमको दिखाना था बिफोर आफ्टर सोर्स कोड, बट अनफॉर्चुनेटली ये कुछ ऐसे जो ये टूल्स हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब इनको इंस्टॉल करने के लिए आई हैव टू गो बैक टू दिस, मुझे जल्दी से इससे इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि फिर मैं तुमको ये दिखा सकूँ, क्योंकि वो जो जीसीसी और वो जो सी कंपाइलर्स हैं वो सारे मेरे पास है नहीं अभी, तो मुझे वो कंपाइलर्स लाने पड़ेंगे तभी जाके मैं इसको कंपाइल कर सकूंगा। तो वो कंपाइलर के लिए मैं डाउनलोड कर सकता हूँ डेबियन टूलचेन, तो बिल्ड एसेंशियल ये जो है ये ग्रुप है, इस ग्रुप में सारे मतलब जीसीसी और मेक और ये जितने कमांड्स चाहिए ना मुझे सब। तो डेबियन में एक चीज हमेशा भी ऑलवेज, क्योंकि जो भी यहाँ पे रिपोजिटरी का है चीज कंसेप्ट वो भी दिखा देते हैं इसको, पहले अभी से मैं रन कर देता हूँ फिर आफ्टर अपडेट। आई होप ये ज्यादा टाइम ना ले, बिकॉज अगर ये बहुत दिनों से अपडेट नहीं हुआ है तो दिस माइट टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये हो
ये भी ना मैं एक 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 करके लेकर आ जाता, एक 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 लेके आ सकता हूँ मैं, जितने भी ये पैकेजेस दिए ना, ये पूरे जीसीसी, ये डेबियन क्लियरिंग वाले, ये सारे एक एक करके मैं लाके रन इंस्टॉल कर सकता था, अगेन इनके सोर्स कोड लेकर आ सकता था मैं। तो मैं साइकिल में फंस जाता था, राइट, बिकॉज ये अपने को करना नहीं है, मतलब ये सिर्फ समझना है, और एज अ प्रैक्टिस वी कैन डू दैट। इफ यू वांट टू डू, यू कैन जस्ट प्रीटी मच ब्रिंग एवरी, ये लॉग फाइल भी उसने दिया था, और लॉग फाइल में वो बोल देता था कि जीसीसी ये सब नहीं है, तो हर चीज को हम ये साइकिल रिपीट कर सकते थे। बट ये चीज जस्ट समझने के लिए है, ये 90s में, 80s, 70s में होती थी या 60s में होती थी, आई डोंट नो, बट चीजें इंप्रूव हो गई है, बिकॉज ये इतना टीडियस काम है, टीडियस मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए कि यू डोंट वांट टू डू दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इसलिए बेटर वे हैज टू बी इन्वेंटेड, एंड दिस इज द बेटर वे। ये हो गया, अब मैं कॉन्फ़िगर स्क्रिप्ट फिर से चला देता हूँ, होपफुली दिस टाइम इट वोंट कंप्लेन एंड इट्स रनिंग फाइन। तो बिल्ड एसेंशियल में भी बहुत सारे टूल्स थे, उसने सारे टूल्स यहाँ पे रन कर दिए। अब ये क्या कर देगा, कंपाइल कॉन्फ़िगर कर देगा, सारे डिपेंडेंसीज लेकर आ जाएगा, फिर उसके बाद में मैं मेक कमांड करके उसको कंपाइल कर दूंगा, क्योंकि बिल्ड जो जीसीसी और सी जितने भी लाइब्रेरीज की डिपेंडेंसीज थी सारी आ गई। मेक कमांड करके हम उसको कंपाइल कर देंगे, और मेक इंस्टॉल करके हम उसको इंस्टॉल कर देंगे। सो दैट्स द वे, जो हमारा एनमैप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि इसको सिक्योरिटी पैच आएगा, ये जो सोर्स कोड हमने डाउनलोड किया था एज अ टारबॉल, इन द फॉर्म ऑफ टारबॉल, जब उसको पैच आएगा तो हमको खुद से जाके फिर से हमको ही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी किस तरह से उसको अपडेट करना। ये नॉट जस्ट फॉर एनपीएम, एनपीएम बट फॉर एनीथिंग, एनी अदर थिंग। और कंपनी में जब इनहाउस और होम ग्राउंड रहेगा ना, तब तो तुमको करना ही है, तब तुमको स्ट्रैटेजी बनाना ही है, बिकॉज यू डोंट हैव द ऑप्शन, इधर यू फॉलो दिस। तो ये भी करने के लिए तुमको खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम्हारी एप्लीकेशन है, ये बाहर वाला थोड़ी करके देगा। तो लकीली दीज थिंग्स योर आर्किटेक्ट्स विल डू दैट फॉर यू। लेकिन मैं इसलिए तुमको बोल रहा हूँ कि अभी से आर्किटेक्ट के जैसा सोचने की कोशिश करो, बिकॉज योर नेक्स्ट गोल शुड बी दैट। कि अब आर्किटेक्ट लोग 7-8 साल में बनते हैं, तो अगर हर एवरेज पर्सन आर्किटेक्ट 7-8 साल में बन रहा है, तो तुम 5 साल में, 4 साल में बन के मत, बिकॉज इफ यू आर अ टैलेंटेड देन नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। तुम अपना टैलेंट दिखाओ एंड यू कैन बिकम आर्किटेक्ट इन 4 ईयर 5 ईयर, यू विल बी द यंगेस्ट आर्किटेक्ट इन हिस्ट्री प्रॉबेबली। अगर ऐसा करते हो तो यू कैन डू दोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, ऐसा नो कोई स्टॉप नहीं कर रहा। तो बड़ा सोचोगे तो बड़ा अचीव करोगे, छोटा सा सोचोगे तो फिर उससे भी छोटा अचीव होगा। तो ज्यादातर ये जो चीजें हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाई लेवल में, ये आर्किटेक्ट्स का काम रहता है। और ज्यादातर आर्किटेक्ट्स कैसा रहता है कि उसको उसने ग्राउंड लेवल पे चीजें देखी हो, फिर उसके बाद वो आगे प्रमोट हुआ हो, प्रमोट ही हुआ हो, और फिर उसको समझ में आता है, वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर तुम कनेक्ट कर सकते हो सारे डॉट विद इन 2-3 ईयर्स, यू आर द एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन, तो तुमको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, बिकॉज इफ यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट यू विल गेट दैट। नेचर का लॉ है, एंड नेचर विल गेट, तुमको नेचर से मिल जाएगा, तुमको कहीं पे जाके किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो दैट्स द वे, दैट्स, ये सारी चीजें आर्किटेक्ट करेंगे, और तुम्हारा काम रहेगा बस उसको रन करते रहो। लेकिन जब तुम रन करोगे तो तुमको पता रहना चाहिए क्या हो रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ऐसी सिचुएशन में मत जाओगे, तुमको ऐसा लगे कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। मैं तुम बता दिया जाता है, एक टिकट आती है, वो टिकट के बेस पे इंस्ट्रक्शन है, मैं एसओपी, जो एसओपी बनती है, गवर्नमेंट जो कोविड के एसओपी दे रहे थे ऑपरेटिंग करने की, कि किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, राइट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको बोला जाता है। तो एसओपी अपने कंपनीज पे भी रहती है, इसके अंदर में तो एसओपी रहेगी, तुम उसको फॉलो करके कर दोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किया क्या। जॉब लगने के बाद में मेन जो बड़ी कंपनी में लगना, इंटरव्यू क्रैक करना, उसके बाद में तो पूरा प्रोसेस डिफाइन रहता है उसके अंदर में, तो तुम वो सब फॉलो करके कर दोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी कुछ रहेगा ही नहीं। तो तुमको एज एन एवरेज बन के रह जाओगे वहीं पे कि 9 to 5 कर रहे हो, सैलरी आ रही है, बस जिंदगी चल रही है। लेकिन बड़ा सोचोगे तो बड़ा हासिल करोगे। तो ये चीजें करेंगे आर्किटेक्ट, लेकिन तुमको भी पता होनी चाहिए क्या हो रहा है, बिकॉज तुम्हारा एम रहना चाहिए कि एक दिन मुझे भी जाके बनना है, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी बन जाए। तो वो स्ट्रैटेजी रहेगी कि इसको पैकेज में किस तरह से कन्वर्ट करना है, या फिर उसको सोर्स कोड से ही हमेशा करना है। That calls your architect or your leadership team will take. वो तुम्हारे ले सकते हैं। अगर तुम स्टार्टअप में ज्वाइन करोगे तो दे माइट पुट दिस ऑन योर शोल्डर, अगर क्योंकि स्टार्टअप में थोड़ा काम ज्यादा रहता है, तुमको ज्यादा प्रेशर रहेगा, लेकिन वो प्रेशर इज गोइंग टू एक्चुअली मेक यू, तुमको बना देगा। एक साल भी तुम अगर करोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, और तो इन ज्यादातर मतलब ऐसा जो पीपल हुआ एक्चुअली जिन्होंने स्टार्टअप बनाया, लाइक गूगल का ओनर,
अमेजोन के ओनर्स जितने भी हैं उनका एक ही सजेशन है कि मतलब तुमको एज एंटरप्रेन्योर जैसा सोचो पहले तो, अगर अगर क्योंकि जिंदगी भर काम करना है ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो कि तुम खुद की कंपनी कभी ना कभी बनाओगे। तो अगर वैसा करना है तो यू शुड वर्क फॉर एनी स्टार्टअप वंस इन योर लाइफ, एंड एज अ फ्रेशर पहला कंपनी में तुमको मिल जाएगा ना तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बाद में तुम कंफर्ट जोन में चले जाते हो। एक बार तुम एमएनसी के तुमको लग जाएगी आदत तो फिर तुमको ऐसा लगेगा कि अगर सर्विस बेस में भी नहीं जाना है, स्टार्टअप में भी नहीं जाना है, एक बड़ी कंपनी में बैठे रहो, चिलैक्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देने की जरूरत नहीं, 9 to 5 करो, सैलरी आ रही है तो कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको बड़ा सोचना है तो मैं बताऊँ, आर्किटेक्ट बनने के बाद क्या, तो तुम सीईओ जो उसमें एमडी रहते हैं, एमडी के बाद में तुम्हारा सीटीओ रहेगा, हमारा जो लाइन में जाएगा सीटीओ के बाद में यू कैन बिकम अ सीईओ। तो वो सारी चीजें लीडरशिप टीम के पास रहेगी, तुम्हारा काम एग्जीक्यूशन रहेगा, बट डोंट लिमिट योरसेल्फ टू जस्ट एग्जीक्यूशन, मे बी फॉर स्टार्टर यस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, और कंसेप्चुअली और हाई लेवल समझोगे तो ही चीजें बेनिफिट करेगी, अदरवाइज तुम बस जाओगे करोगे जाओगे करोगे तो तुम्हारी हालत एक वॉचमैन जैसी रहेगी, बिकॉज सिसएडमिन का काम वही रहता है वॉच करने का, जो सिक्योरिटी का वॉचमैन क्या करता है, सिक्योरिटी वॉच करते बैठता है, तुम्हारा काम वही रह जाएगा। डेवलपर जाता है तो वो काम करते आ जाता है, तो अपना आके प्लम्बर की तरह जाता है, काम करके आ जाएगा, फंक्शनलिटी डेवलप करके, उसको भी पता नहीं चलेगा क्या होता है। तो अपनी लाइफ वैसी मत रखो, मतलब सिस एडमिन में भी जा रहे हो तो एक वॉचमैन की तरह बैठे मत रहना, मतलब उसमें ऐसा करो कि तुम देखो बिल्डिंग भी बनती है तो उसका आर्किटेक्ट रहता है ना, और एक्चुअली जो वर्ल्ड आर्किटेक्ट है ना वो कंस्ट्रक्शन से ही बोरो किया गया है, यहाँ पर भी, यहाँ पे आईटी में नहीं था, 1990s अर्ली 2000s में ये सारे प्रॉब्लम्स आए थे, और जो वर्ड आर्किटेक्ट किया है, बिकॉज जब भी तुम घर वर लेते हो तो तुमको बताया जाता है, ब्लू प्रिंट बताया जाता है, तो यहाँ पर भी ब्लू प्रिंट बनती है हर चीजों की, तो ब्लू प्रिंट बनेगी, ब्लू प्रिंट में तुमको सारी चीजें दिखाई देगी कि इस तरह से वो उस तरह से, तो तुम आर्किटेक्ट के जैसा सोचोगे, आर्किटेक्ट के जैसा करोगे तो चीजें होगी, तुमको समझ में आएगी। तो सिर्फ जो मतलब आके काम करते हैं गवंडी, जो मतलब काम करते हैं डेवलपर, और बाकी जो वॉचमैन रहते हैं देखभाल करने के लिए, जो सिस एडमिन रहते हैं हम लोग, सिर्फ वो मत बनो, तुम वो बन जाओ जो आर्किटेक्ट कर रहे हैं, तो देखो कि ये लोग कैसे डिजाइन किया जा रहा है, स्टार्टिंग में ग्राउंड लेवल चीजें देख लो, बट बाद में अपने लेवल को चेंज करो, ठीक है। तो दैट्स डेप्स एंड कॉन्फिगर, और ये हमारा हो गया। तो उसके बाद में मेक कमांड हम लोग चला सकते हैं उसको कंपाइल करने के लिए, और मेक कमांड चलाने के लिए ना यहाँ पे एक मेक फाइल रहती है जो कि अगेन सी सिंटैक्स में रहेगी, तो हमको इतना आसानी से समझेगा नहीं अभी के लिए, और तो ये इसके अंदर में उसने सब बताया कैसे करना है। तो ये मेक फाइल, ये मेक कमांड रन करूंगा तो ये क्या करता है, करंट डायरेक्टरी में मेक फाइल ढूंढेगा, जो ये मेक फाइल मैंने यहाँ पे कैट किया था अभी, ठीक। ये सारे जो है सी के पैंतरे है, ठीक है, सी में किस तरह से किया जाना है, और हर एप्लीकेशन को इसी तरह से डिजाइन कर दिया लिनक्स के ऊपर अगर करना है तो तुमको लिनक्स पे किसी चीज को भी करना है तो योर स्टेप इज गोइंग टू बी द सेम। तुम्हारा स्टेप क्या होगा कि सोर्स कोड लेकर आओ, इधर गिट से लाओ या डब्ल्यू गेट से टारबोर लेकर आओ, अगर डब्ल्यू गेट से ला रहे हो तो एक्सट्रैक्ट करो और उसको कॉन्फ़िगर करो, तो जो तुम्हारा डिपेंडेंसी लेकर आ जाएगा, उसके बाद कंपाइल करो मेक कमांड से। मेक कमांड करने से क्या होगा, जो मेक फाइल है उसमें से आगे जाके हमको क्या होगा, डॉकर फाइल देखेंगे हम लोग, तो डॉकर कमांड जब रन करोगे तो डॉकर फाइल रीड करता है, जेनकिंस फाइल रहती है, तो वैसे ही यहाँ पर। तो ये सारे कंसेप्ट यहीं से आए हैं, मेक फाइल में सब कमांड रख दिया जाता है इसके अंदर में, और जैसे एक मेक कमांड रन करो तुम्हारे सारे कमांड जो सीक्वेंस है वहां पे रन हो जाएंगे, तो इट्स लाइक अ रैपर, तो एक रैपर चल रहा है, इंस्टेड ऑफ यू रनिंग इट यू कैन रन दैट। तो मेक फाइल यहाँ पे रन करोगे, जैसे हम मेक कमांड रन करेंगे तो मेक फाइल को एग्जीक्यूट कर देगा, और मेक फाइल को एग्जीक्यूट कर देगा तो वो उसको कंपाइल करके रख देगा हमारे लिए। तो अब ये सारे सी के चीजें चल रही है, वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एनपीएम, हमारा एनपीएम की बाइनरीज आ जाएगी हमारे पास में, इफ आई डू नॉट हैव एनी डिपेंडेंसीज मिसिंग हियर, विच आई होप सो, अदरवाइज बहुत सारी लाइब्रेरीज और कुछ ऐसी भी मिसिंग हो सकती है, दैट माइट फेल। तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन दिस इज योर लास्ट रिजॉर्ट, यू माइट कम अक्रॉस टूल्स जहाँ पे, और सब में जो बेस्ट टूल बताता हूँ मैं अभी के लिए, दैट इज गिट। गिट जो है डेबियन पे अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पैकेज, बट रेड हैट पे है ही नहीं वो। रेड हैट पे क्या हुआ था, रेड हैट प्रीमियम पे मे बी होगा, आई एम नॉट श्योर, बट एटलीस्ट तुम रेड हैट के इस पे यूज करोगे ना तो यू डोंट हैव अ गिट एज अ पैकेज मैनेजर, एटलीस्ट लेटेस्ट ऑन। यहाँ पे सेंटोस के पास में एक रिपोजिटरी है जो कि गिट तुमको पुराना वर्जन देगा, गिट का आई थिंक 3. सम वर्जन चल रहा है, और सेंटोस के जो रिपोजिटरी एक जो ये है, ये रिपोजिटरी का कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज एक्चुअली फॉर दिस, जो इसके लिए,
तो उनके पास जो रेपोजिटरी है वो 1.9 टू बिलो टू अवेलेबल है इनके पास में, तो तुमको लेटेस्ट गिट कभी मिलेगा ही नहीं रेड हैट सेंटोस पे। तो गिट को तुमको इंस्टॉल करने के लिए सोर्स से कंपाइल करना पड़ेगा रेड हैट पे, डेबियन पे, बिकॉज डेबियन पीपल आर मेंटेनिंग इट। तो वहां पे तुम जस्ट एप्ट इंस्टॉल, सॉरी यहाँ पे एप्ट इंस्टॉल गिट कर दो तो तुम्हारा लेटेस्ट गिट इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे एप्ट इंस्टॉल गिट करोगे तो तुमको लेटेस्ट नहीं होगा, जो भी जो सेंटोस की कम्युनिटी ने और रेड हैट ने बन रखा है मेंटेन करके, वो एकदम पुराना वाला। तो तुमको गिट का सोर्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, बिकॉज गिट तो ओपन सोर्स है ना, तो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर द गिट। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे आप ऐसे टाइम जहाँ पे यू मे हैव टू डू दिस वे, ठीक है। तो नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ यू हैव टू डू एवरीथिंग मैन्युअली, बट वेरी हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड नो द प्रोसेस कि किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल कोड था, उस कोड को हमने रन किया एंड दिस इज गोना टेक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज वो कंपाइल करते बैठ रहा है। तो कल जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं सोर्स कोड का जो रिपोजिटरी सर्वर का कंसेप्ट बता दूंगा, एंड देन विल जंप बैक, जंप ऑन टू क्रिएटिंग। हम लोग ये करते हैं, स्क्रिप्ट करेंगे, फिर उसके बाद में रिपोजिटरी सर्वर आगे हम लोग खुद का बनाएंगे एक बार। फिर हम लोग सारे सर्वर के टाइप्स देखेंगे जिसमें से हमारा डेटाबेस रहेगा। स्क्रिप्टिंग के बाद में मे बी हम लोग गेट और डेटाबेस और अदर टाइप्स ऑफ सर्वर देखेंगे, जिसमें से एक हमारा सर्वर रहेगा रेपो सर्वर, जो कि कल कंसेप्चुअली रेपो सर्वर को समझ लेंगे एंड हाउ दीज टू मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस आर हैंडलिंग इट, और ये पैकेज मैनेजर कैसे हो रहा है सारी चीजें, ठीक है। एंड देन विल शेल स्क्रिप्ट करेंगे मे बी फॉर 2-3 लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड शेल स्क्रिप्ट में तो द ओनली वे यू कैन मास्टर इट बाय प्रैक्टिसिंग इट, तो तुमको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है। एज असाइनमेंट हम लोग तो बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, बट वी डोंट सी लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन। देर आर हार्डली लाइक 8 or 9 पीपल आउट ऑफ 90 पीपल इन द ग्रुप, जस्ट 20 पीपल कम्स, एंड देन आई थिंक देर आर अबाउट 10 पीपल हु आर वॉचिंग वीडियोज बिकॉज दे हैव डिफरेंट कमिटमेंट्स, सो दे हैव इन्फॉर्म्ड मी। बट स्टिल एटलीस्ट 30 पीपल आर डूइंग इट, बट असाइनमेंट सो फार वी हैव अबाउट लाइक 6 or 8 पीपल, मे बी एट बेस्ट 10 पीपल हैव गिवन असाइनमेंट। तो आई एम नॉट श्योर वाई यू गाइज आर नॉट डूइंग इट। वो असाइनमेंट में वही चीजें हो रही है जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं। द होल पर्पस इज कि अगर तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट वहाँ पे, तो क्योंकि तुम अगर ध्यान दोगे तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा है, और सब कुछ परफेक्ट जा रहा है तो असाइनमेंट तो तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक होना चाहिए था। तो वो दिख नहीं रहा है, और वो दिखने नहीं दिखने की वजह से ये हो रही है। तो जैसे हम लोग गेट और शेल स्क्रिप्ट करेंगे तो विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस अजूर डेवऑप्स, विच इज वी विल यूज एज वन ऑफ आर टिकेटिंग सिस्टम, और जिसके लिए मैंने तुमको माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल बनवाया था। एंड देन असाइनमेंट को हम लोग वहाँ मूव करेंगे। सो ठीक है, ये सारी चीजें तभी होगी, इट्स अ टू वे इशू। तुम्हारे तरफ से भी दिखना चाहिए, जस्ट हमारे तरफ से एफर्ट रहेगा तो दैट्स नॉट इनफ, यू शुड ऑल्सो पुट एफर्ट फ्रॉम योर साइड। ठीक है, लेट्स रैप दिस फॉर द डे। और कुछ क्वेश्चन किसी को है तो? Sir, I have one question over here. हाँ As you use this yum command to install a package, right? राइट So if there's those packages, if we have to install a multiple packages, so we have to go one by one, or we can install at a time all the packages. वी कैन इंस्टॉल ऑल ऑफ देम यम, नाउ दैट इज सब्जेक्ट टू एक्सप्लोरिंग द यम कैपेबिलिटी। यू कैन इंस्टॉल ऑल ऑफ देम टुगेदर एज वेल बाय सिंपल। अब यम का जो है ना मैन पेज में जाके, अभी वी डोंट हैव रेड हैट, बट द बेस्ट वे ओके एक बार तुमको समझ, माय पर्पस हियर इज टू गिव यू अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद में जो ओके ट्रिक्स है यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू हैंडल इट, एक से ज्यादा रहेगा तो कैसे हैंडल करना है उसको। तो तुम यस यम का डॉक्यूमेंट, यू आर जस्ट डॉक्यूमेंटेशन अवे, लाइक मैन में जाना है सबसे बेस्ट वे इस, ये अभी तक हुआ ही नहीं, मैन में जाओगे तो ओके तुमको बता देगा। तो स्टार्टिंग लेक्चर में हमने वो भी देखा था उसका यूसेज किस तरह से पढ़ना है। तो उस जाओगे तो पैकेज का नाम में मल्टीपल डॉट्स रहेंगे, तो बोलेगा कि पैकेज का नाम दो और उसके बाद सर 3 डॉट रहेंगे। तो 3 डॉट का मतलब क्या रहता है कि यू कैन स्पेसिफाई मोर देन वन पैकेजेस, दिस इज कॉल्ड इक्लिप्सिस। और तो वो मतलब जो ये है तो वो थोड़ा सा एडवांस यूसेज में चले जाएगा, विच मे नॉट बी एबल टू कवर, बिकॉज द ऑडियंस जो हमारे पास है यहाँ पे नॉन आईटी है, उनके लिए एडवांस में जाना मतलब इट्स समथिंग यू शुड गो ऑन योर ओन। और आगे में जैसे अगर यूज केस में रहेगा तो आई एक्सप्लेन दैट, बट
थोड़ा ऐसा एडवांस यूसेज की तुम जो बात कर रहे हो तो इट विल बी लाइक दिस, तुम अगर देखोगे ना तो वो ऐसा रहेगा, और इसका मतलब, और ये 3 डॉट का मतलब रहता है तुम एक से ज्यादा पास कर सकते हो उसके अंदर में, तो वो सारी चीजें। ओके ओके हाँ तो कहीं पे हम लोग इफ वी कम अक्रॉस आई डेफिनेटली एक्सप्लेन, बट हम लोग एकदम एडवांस नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू, जो दूसरे नॉन आईटी के लोग हैं हमारे पास में उनके लिए भी पास करके चलेंगे। ओके ओके थैंक्स मैन। ओके एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन एल्स? क्वेश्चन इन बिटवीन भी पूछ सकते हो, इन बिटवीन क्वेश्चन ये है तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि एंड में भी नहीं रहेंगे अभी क्वेश्चन, तो फाइन। स्टिल इफ यू गाइस हैव क्वेश्चन आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियोस और पुराने वीडियोस भी अगर तुम गो थ्रू कर रहे हो तो ग्रुप है, ग्रुप पे पूछने की कोशिश करो ज्यादातर, नो क्वेश्चन इज सिली क्वेश्चन बिकॉज तुम दूसरों का भी बेनिफिट कर दोगे व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन ऑन ग्रुप, एंड और यू कैन कीप इट फॉर द नेक्स्ट वीक और यू कैन टेक्स्ट मी एज वेल राइट, बट मैं ज्यादातर इनकरेज वही करूंगा कि ग्रुप पे किया जाए ताकि सब लोग को पता चले तुम्हारे क्वेश्चन से बाकी भी बेनिफिट करें, क्योंकि अपने यहाँ पे अभी हर कोई डर डरा के ही कर रहा है, मतलब वो स्कूल और कॉलेज की जो मेंटालिटी है कि डर के ही रहना है, तो वही चल रहा है अभी, जो ओपननेस जो है वो उतना आ नहीं रहा है, तो तुमको बस वो ना तुमको सीखना है तो सारी चीजें छोड़ना पड़ेगी, दैट्स एज सिंपल एज दैट। ओके ठीक है, लेट्स रैप इट फॉर द डे, कल मिलते हैं हम लोग। ओके थैंक यू।